राइट देन, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है जी आप सभी का आज के सेशन में। ओके, सो आई गेस मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज़ साफ है सभी बच्चों को? एक बार देख लेते हैं यार, कल का एक्चुअली एक सेशन हुआ था उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। चलो स्टार्ट करें डिस्कशन आगे सभी बच्चे। ओके, हेलो हाय यार सभी बच्चों को। शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा डिस्कशन। और आज हम लोग करेंगे एलजेब्रा के जितने भी हमारे PYQs हैं, ठीक है, वन बाय वन उसके ऊपर बातें करेंगे। हेलो हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। नहीं यार, वॉइस तो सही है, वॉइस क्लियर है ना, आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, ये वॉइस क्लियर है ना सभी बच्चों को? ओके, सो unacademy_raman ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, वहां पर आकर के आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल यार mensuration 3D के ऊपर, mensuration 3D इस पे हम लोगों ने किया था कल, एक वन शॉट किया था। आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा, क्लियर हो गई होंगी बातें आप सभी को, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एलजेब्रा के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि PYQ से यार थोड़ा एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लूंगा। चलो फिलहाल हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और यार पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी PYQs मैंने रखे हैं, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ा ना चैप्टर वाइज रखे, मुझे लगा मिक्स करने से बेटर है थोड़ा सा चैप्टर वाइज रखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग किसके PYQs करेंगे, दैट इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जितने भी हमारे PYQ हैं वन बाय वन उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ओके, एंड लॉग में ऑलरेडी करा चुका हूं आप सभी बच्चों को, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लॉग के मैंने PYQs आपको कराए थे, उसके वीडियोस के लिंक मैं ऐसे पिन करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह का, एक बार आप इसे ट्राई करें, ठीक है, 1 मिनट ले लो, ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन देख लो किस तरह का है, और ये आपका कैट 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कैट 21 में, ये क्वेश्चन आया था आपका। और इसके ऑप्शंस है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। लोकेश, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अलजेब्रा से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी डिपेंड करता है, क्या पता ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाए, बट मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन तो आप उम्मीद कर सकते हो कि पूछेंगे। इसके ऑप्शन है यार, इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, दैट इज 0, 1, -4/3 या फिर 8/3। और ये क्वेश्चन आपका कैट 21 का स्लॉट 3। काफी कम बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एग्जाम में, ठीक है। अराउंड सिर्फ 11% बच्चों के ये क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 10 से 11% बच्चों के। ओके, सो गौतम आपका कहना है 0 आंसर होगा, विच इज गुड। हाँ यार, कुछ 2017 से 2021 तक के PYQs आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग इसके आंसर पे बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो यार, सीधा सा फंडा क्या है, जब भी आपके सामने ऐसे मॉडुलस वगैरह आते हैं ना, वन शॉट के बाद नहीं, अभी कर सकते हो नन्हे आप, ठीक है। देखो, जब भी आपके सामने ऐसे मॉडुलस वगैरह आते हैं ना, तो आप मॉडुलस के दोनों केसेस उठाया करो। जैसे आपके सामने अगर आप देखो, दो इक्वेशन आपको देखने को मिल रही हैं, एक है 3x + mod y + y = 7, एक है x + mod x + 3y = 1। आपको पता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल mod x है और अगर आप mod हटाते हो तो इट कैन बी रिटन एज ± x। सिमिलरली अगर आपके सामने mod y लिखा है और आप y का mod हटाते हो तो ये क्या बन जाएगा, ± y हो जाएगा, राइट है जी बात, ± y। सिंपल सी गेम क्या है वो आप समझना। यहां पर हम लोग दोनों केसेस उठाएंगे, कौन कौन से। यहां पर देखो टोटल 4 केसेस निकल के आ रहे हैं। पहला केस ये है कि सर क्या पता आपका जो x है वो पॉजिटिव है और जो y है वो भी पॉजिटिव है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव, या हो सकता है कि सर x नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो सकता है कि सर x आपका नेगेटिव हो लेकिन y पॉजिटिव हो, या फिर सर ये भी हो सकता है कि x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। और एक्चुअली आपको ना लॉजिकली चारों केसेस देखने पड़ेंगे। अगर मैं तरीके से चलूं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे चले, तो आपको चारों बातें चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला केस मैं उठाता हूं, सबसे पहला केस मैं लेता हूं जब मेरा x पॉजिटिव है, जब मेरा x क्या है पॉजिटिव है और y भी मेरा क्या है दैट इज पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं तो ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 2 मॉड वाई प्लस वाई, तो मॉड वाई को मैं क्या लूंगा y, यानी कि यहां पर सबसे पहला या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक सेकंड रुको, पहला केस जो है उसमें मैं ऐसा लूंगा कि जो मॉड x है ना, पहले केस में मॉड x की वैल्यू मैं x लूंगा और मॉड y की वैल्यू मैं y लेता हूं, ठीक है ना। हालांकि प्लस माइनस x दोनों हो सकते हैं बट मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से चल रहा हूं कि मॉड x को पहले मैं x लूंगा और मॉड y को y लूंगा। तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी 3x प्लस 2y और y, यानी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी x और मॉड x को अगर मैं x लिखता हूं तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से जब आप y को एलिमिनेट करोगे यहां पर तो आपके x की वैल्यू क्या निकल के आएगी दैट इज 6 आएगी। और अगर x की वैल्यू 6 आप इक्वेशन में पुट करते हो तो 6 3 जा 18 वहां पे जाएगा तो माइनस का 11, यानी y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 11/3। और मैं ये बोलूंगा कि ये केस गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप जो y है ना, आप यहां पर y की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, y को आप पॉजिटिव ले रहे हो लेकिन आंसर में y नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई ये वाला केस गलत है, ठीक है। फिर आप जाओगे सेकंड केस पे, मतलब यहां से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आप गए सेकंड केस पर और उसमें आपने क्या करा मॉड x को तो x कंसीडर किया पर जो मॉड y है उसको आपने माइनस y कंसीडर किया। अगर आप मॉड x को x लेते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x, मॉड y को अगर आप माइनस y लेते हो तो ये माइनस का 2y और प्लस में y, यानी ओवरऑल हो जाएगा माइनस y एंड दैट इज इक्वल टू 7। यहां पर ये कितना हो जाएगा मेरा 2x और माइनस 3y सॉरी प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 1। और जब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यार, ठीक है, वो बेसिक सी चीजें आप लोग कर सकते हो लाइक एलिमिनेशन वगैरह आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई 3 कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3y हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा और ये 3 3 जा 9, 9 और 2 11x हो गया और यहां पर हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू 2 आ रही है जो कि ठीक है क्योंकि भाई x मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 2 यहां पे पुट करता हूं x की जगह तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 वहां पर जाएगा तो माइनस का 4 और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी कि -1 आ रही है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट आ रही है, आपने x को पॉजिटिव लिया आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, y को नेगेटिव लिया आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे के केसेस अगर आपको चेक करने हैं तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आंसर आ चुका है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। आगे अगर आपको केसेस देखने तो आपके मन है, जैसे मॉड x को आप -x ले लेना और मॉड y को आप y ले करके इसमें पुट करना दोनों इक्वेशन में, और एक केस आप लेना जिसमें मॉड x को आप -x ले सकते हो और मॉड y को आप -y ले सकते हो, एक केस आप ये वाला चेक कर लो। हालांकि ये दोनों केसेस गलत ही आएंगे, बाकी आपका चेक करने का मन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -1, आपको बताना था x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी 2 + 2 × -1 यानी कि 0 आंसर होगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? एक काम करो, वो सब छोड़ो, इसका आंसर वो हटाओ, मेन बात हमें ये समझनी है कि कभी भी जब हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि मॉड x इक्वल टू ±x, मॉड y इक्वल टू ±y। तो आपको चारों केसेस देखने होंगे। हालांकि अगर आप ऑप्शन देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखोगे, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो तो ऐसा नहीं है कि यू नो, अगर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन होते, आप बात को समझना, अगर जैसे इसमें एक ऑप्शन क्या था 0, एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था -4/3, एक ऑप्शन क्या था 8/3। अगर तो क्वेश्चन में मान लो ऐसा होता कि भाई 0 आंसर आएगा एंड 3 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा एंड 4 आंसर आएगा, -4/3 और 0 आंसर आएगा, 8/3 और 1 आंसर आएगा। तो आप इस बात को समझो, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाओ कि यार मेरे पास 4 केसेस आएंगे। अब 4 केसेस जब मैं बनाऊंगा तो हर एक केस से x और y की वैल्यू निकलेगी। अब उसमें से कुछ केसेस गलत होंगे और कुछ केसेस सही जाएंगे। अब आप एक बात सोचो, अगर इसका एक ही पॉसिबल आंसर आ रहा है क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ क्या गिवन था, ऑप्शन गिवन था क्या दैट इज 0 1 -4/3 या 8/3, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आ रही है, तो इट मींस कि चारों केसेस में से कोई एक ही केस होगा जो कि करेक्ट होगा। और अगर आप कहते हो नहीं सर दो केसेस करेक्ट हो गए, तो अगर दो केसेस करेक्ट होंगे तो उन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। जैसे यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ रही है, लेट्स से ये वाला केस आपका करेक्ट निकलता, तो पक्की बात है कि इस केस में भी आंसर सेम ही आएगा, जैसे कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं। क्या ये बात पकड़ में आई सभी बच्चों के? हां जी, यस और नो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? इट मींस कि यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, सारे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको आंसर मिल गया, जैसे मुझे सेकंड केस में आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि ऑप्शन से पता लग रहा है कि यूनिक आंसर है इसका। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे यार -3y क्या लिख रहे हैं सर? टू केस में -3, हाँ -3y होगा। वो मैंने किया नहीं प्रॉपर सॉल्व, मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया। बाकी अगर आप करते तो जब 3 यहां पर इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, माइनस में 3y इक्वल टू में 21, और ये चल रहा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। फिर एलिमिनेट करोगे 3y से, 3y कटेगा, ये 11x हो जाएगा, 22 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू 2 आई है इसे उठा के इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो, लाइक मान लेते इसमें पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 प्लस 3y इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, यहां करके माइनस होगा -1 आएगी। तो आपने x को पॉजिटिव लिया, आंसर पॉजिटिव आ रहा है 2, y को नेगेटिव लिया, आंसर नेगेटिव आ रहा है 1, दैट्स वाई। डन है, बात क्लियर? तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, ये भी आपका कैट 21 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका कैट 21 का क्वेश्चन है। तो कैट 21 में दो क्वेश्चन आए थे आपके बेसिकली। एक स्लॉट में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, जैसे ये वाला था आपका स्लॉट 3 का क्वेश्चन, इसमें लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया था। ये स्लॉट 2 का क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक पे आया था, और स्लॉट 1 में लीनियर या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ये आपका कैट 21 का क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 1। अभी देवा सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है, आने को आ सकता है, 3 वेरिएबल में भी आ सकता है, बट नॉर्मली 3 वेरिएबल के क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल पे क्वेश्चन आते हैं तो जनरली वो लोग 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। 3 वेरिएबल पे 2 इक्वेशन देते हैं, और जब 3 वेरिएबल पे 2 इक्वेशन देते हैं तो अगर तो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सेट है तो आंसर आता है, और कई केसेस में कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, डन है, ओके। सो कई बच्चों का आंसर आ रहा है दैट इज 2 आंसर कह रहे हैं कई बच्चे, तो एक बार चेक कर ले। चल मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, कुछ बातें ना थोड़ी सी डायरेक्ट यूज किया करो। जैसे एक बात बताओ, कहता है सपोज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 + √3। अब मान लो इसका एक रूट अल्फा है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा की वैल्यू है 2 + √3, तो आप सभी बच्चों को ये बात पता है ना कि जो दूसरा रूट होगा यानी कि जो बीटा होगा वो कैसा होगा 2 - √3। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना। अगर कभी भी एक रूट आपका कुछ ऐसे है जैसे कि a प्लस √b, तो पक्की बात है कि जो दूसरा वाला रूट होगा वो a - √b होगा। ये क्वाड्रेटिक पढ़ाते वक्त मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तब मैंने सब बातें बताई थी कि अगर एक रूट आपका 2 + √3 है तो दूसरा वाला 2 - √3 होगा, ये कंफर्म है। अब यहां पर एक बात करते हैं, देखो हमें पता है कि यार जो सम ऑफ रूट होता है, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कि अगर मान लो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² + bx + c = 0, और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो ऐसे में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसी बात का यूज जब मैं यहां पे करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जी सम ऑफ रूट अगर मैं इन दोनों रूट को ऐड करता हूं यानी कि 2 प्लस में रूट 3 एंड प्लस में 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू माइनस क्या आता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट जो कि माइनस बी है तो यहां पर आएगा माइनस का बी अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि ए है यानी माइनस बी अपॉन ए। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 2 4 यानी यहां पर 4a इज इक्वल टू बी 4a इक्वल टू बी एक रिलेशन आपके पास आ गया। एंड इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो मतलब कि 2 प्लस रूट थ्री में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 माइनस रूट थ्री को सो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन बी मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है। यहां पर 2 प्लस रूट थ्री को 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी में a माइनस बी इंटू करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट थ्री का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 तो यहां पर c इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये दो बातें हमने यहां पर कंक्लूजन निकाला। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात यहां बैठे सभी बच्चों को पलक विनीत अनुभव खुशी वगैरह जो भी बच्चे हैं सबको समझ आ गई है? अब यहां मैं क्या बोलूंगा, इसने मुझे एक बात बोली, कहता है b इज इक्वल टू सी क्यूब। अब यहां पर देखो मैं b की जगह 4a लिख सकता हूं, क्वेश्चन में गिवन है कि जी b इज इक्वल टू सी क्यूब। मैं b की जगह क्या लिख सकता हूं 4a और यहां पर c क्यूब की क्योंकि c की वैल्यू a के इक्वल है सो दैट इज a क्यूब। अब यहां पर जो a है वो इसको कैंसिल आउट करेगा तो 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। लेकिन इसने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है मॉड a, तो a की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 है तो मॉड a का अगर a पे मॉड लगाया दैट मींस पॉजिटिव आंसर लिखना है तो दैट्स व्हाई आपका आंसर 2 होगा। डन है? तो यहां पर ना देखो एक बात को समझना है, यहां पर हमें यह समझना है क्योंकि इस बात को आप समझो कि मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं अभी ना एक बात समझना, कई बच्चों जैसे अभी भी टेलीग्राम पे पूछते हैं या फिर आई एम श्योर यहां पे भी पूछना चाहेंगे कि सर अभी लास्ट के जो हफ्ता या 10 दिन मेरे पास है इसमें मुझे क्या करना चाहिए, यस और नो? ऐसा सवाल है ना मन में कि सर ये जो अभी लास्ट का हमारे पास ऑलमोस्ट क्या बोलूं मैं 7-8 दिन बचे हैं बस हमारे पास, है ना, 7-8 डेज बचे हैं तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, राइट? देखो इसमें ना एक बात ध्यान रखो, पहली चीज एक आप जेन्युइनली समझना। देखो अभी क्या है ना अभी चल रहा है YouTube का कल्चर आ चुका है तो YouTube का कल्चर से मेरा मतलब क्या है कि अभी ना टीचर्स के बीच में भी कंपटीशन है एक तरह का, जो टीचर्स है ना उनके बीच में एक तरह का कंपटीशन है। मतलब क्या, कई लोग आप देखोगे इंक्लूडिंग चाहे मैं हूं या कोई भी है हम लोग YouTube सेशन लेते हैं, राइट? और उसमें हम लोग क्या कई बार मुझे लगता है जो गलत चला जाता है, कई बार लोग क्या करते हैं ना बहुत ही ज्यादा अंट शंट से क्वेश्चन बच्चों को कराने लग जाते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो जबरदस्ती के डिफिकल्ट से क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ो, ठीक है? तो अभी आप क्या करें, ये जो आपके पास लास्ट का एक हफ्ता है ना अब आप यहां पर एक तो जो आपके पीवाईक्यूज हैं एक बार पीवाईक्यूज दोबारा देख लो, एक बार सारे के सारे पीवाईक्यू आप दोबारा देखो जस्ट टू चेक कि भाई मेरे एग्जाम में एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये जानने के लिए देखो। और अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट पे हो चाहे आप अनअकैडमी से हो या आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से हो, अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के 10 से 12 मॉक टेस्ट दे चुके हो, अराउंड 10 से 12 मॉक टेस्ट अगर आप कहीं के भी दे चुके हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के, तो आप ना जरा एक बार उन सारे मॉक टेस्ट को रिवाइज कर लो। अभी आपने मॉक टेस्ट दिए थे काफी टाइम हो चुका है लेकिन कम से कम जो भी 10-12 मॉक टेस्ट है ना उनको रिवाइज करो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जब वो एक मॉक टेस्ट बनाते हैं, राइट, लेकिन मैं बात कर रहा हूं थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, चाहे आप अनअकैडमी से देते हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देते हो, तो वो लोग मॉक टेस्ट ना बहुत सोच समझ के बनाते हैं। मतलब वो कोशिश करते हैं कि जो पहले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे दूसरे मॉक टेस्ट में वो रिपीट ना हो, या जो दूसरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो तीसरे मॉक टेस्ट में रिपीट ना हो। मतलब कहने का वो जो 10 मॉक टेस्ट बना रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सारी वेराइटीज को कवर कर लिया होगा, मैक्सिमम वैराइटीज वो कवर कर चुके होंगे। तो अभी राइट नाउ आप दो चीजों पे ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट, आप रिवाइज करो। अब आप ज्यादा से ज्यादा ना रिवीजन करो कि जितने भी क्वांट्स में या कहीं पर भी आपने शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी पढ़ी हैं, जो भी आपने फॉर्मुलाज पढ़े हैं, उन सब चीजों को आपको टिप्स पे लेकर आना है। क्योंकि ये चीज आप समझो कई बच्चों को हर एक बात टिप्स पे याद नहीं होती है, उसे लगता है कि मुझे याद है बट उसे याद नहीं होती है। तो इसलिए रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। और अगर उसके साथ कुछ पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, या फिर आप किसी भी जगह के अगर 10 से 12 मॉक टेस्ट दे चुके हो तो उन 10-12 मॉक टेस्ट को एक बार दोबारा से ढंग से रिवाइज कर लो। हर एक क्वेश्चन को देख लो भाई किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि फॉर श्योर उन्होंने कहीं ना कहीं उन 10-12 मॉक टेस्ट में लगभग सारी वेराइटीज कवर कर दी होंगी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो दो चीजों पे काम करो। सबसे पहला रिवाइज करो। अब जैसे ज्योमेट्री के नोट्स लेके बैठ गए, सारे के सारे फॉर्मुला रिवाइज कर लिए, ए टू जेड सारे फॉर्मुला टिप्स पे लाने की कोशिश करी, चाहे वो कोई भी थ्योरम है, कोई भी शॉर्टकट है वगैरह वगैरह, सारे ढंग से 2-3 बार कम से कम पूरे नोट्स अपने देख लिए। ठीक है, चाहे वो मेंसुरेशन के हो, चाहे आई एम श्योर मैं वीआरसी का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, बट वीआरसी में भी काफी चीजें होती होंगी जो लास्ट टाइम पे रिवीजन के पॉइंट से होती होंगी कि भाई इस चीज को मुझे रिवाइज करना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा में है तो मॉक टेस्ट वगैरह देख लो, जो भी 10-12 मॉक टेस्ट दिए उनको दोबारा एक बार देख लो। ठीक है, तो ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे। और एक काम जो आपको नहीं करना है अभी राइट नाउ, अगर आपको कहीं से भी, स्पेशली टेलीग्राम पे ना कई बच्चे ऐसे रैंडम से क्वेश्चन इधर उधर भेजते रहते हैं, आई डोंट नो, कई बार मुझे सच में फीलिंग आती है कि या तो वो शो ऑफ के लिए भेज देते हैं कि मैं देखो कितने अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहा हूं, अजीब से कोई भी क्वेश्चन बना उठा करके कहीं से भेज देंगे। और होता क्या है कि अभी राइट नाउ आप समझना आप लोग जिस पॉइंट पे हो ना, जहां पर हफ्ता बचा हुआ है और ऐसा बच्चा जो काफी कुछ पढ़ चुका है उसमें ना एक फोबिया सा बना रहता है। अगर उसे कोई भी एक क्वेश्चन अभी दिख जाना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का और उससे नहीं हो पाए तो उसे फीलिंग आती है कि यार मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा नहीं है, या उसे ये फीलिंग आती है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा क्या पता भाई यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उस क्वेश्चन के पीछे बैठ जाता है। अभी राइट नाउ अगर आपको ये टेलीग्राम वगैरह इधर उधर से कोई क्वेश्चन मिलता है ना, अगर तो उसका आंसर पता है, लाइक अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन भेज रहा है, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे सिर्फ क्वेश्चन भेजते आंसर नहीं भेजते कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर है वो नहीं भेजते। और यार एक और काम करो, जब आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाते हो तो यार उसका सॉल्यूशन भी तो लिखा ही होगा ना। आई नो कि कई बार सॉल्यूशन बहुत लेंथी होते हैं, बट एटलीस्ट उस सॉल्यूशन की फोटो भी भेज दिया करो, ताकि जब कोई बच्चा उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है तो एटलीस्ट उसके पास सॉल्यूशन भी लिखा हुआ हो, सो दैट अगर उसे कोई शॉर्टकट से समझ नहीं आ रहा तो वो बड़े से सॉल्यूशन से एटलीस्ट समझ तो पाए क्वेश्चन को अच्छे से। क्लियर है बात? तो अभी ये जो बेतुके से क्वेश्चन होते हैं ना उनमें अपना टाइम मत खराब करो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में खराब कर रहे हैं, और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोबिया है कि यार क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बस उस वजह से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ना। अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, और अगर कुछ करना है पीवाईक्यूज कर लो, या अपने जो भी 10-12 मॉक टेस्ट दिए उनको ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का। चलो एक बार इसका बताना यार आप लोग। लेट के बी अ कांस्टेंट द इक्वेशन दिस। अब यार मुझे लगता है आप सभी बच्चों के बात पता होगी कि अगर आपके सामने कोई भी दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, जैसे कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऐसे में आप सबको पता होनी चाहिए 2-3 बातें। सबसे पहला, इसका ऐसे में जो लाइनें होती हैं वो 3 तरह की लाइन होती हैं, आपको पता होगा। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है पैरेलल, और एक होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कि अगर मैंने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक होता है आपका दैट इज, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किसमें आता है? पैरेलल लाइंस में। उसमें क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और एक आता है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? कोइंसिडेंट लाइन में आते हैं। और इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक बार बताओ चैट में कितने बच्चों के बात ऑलरेडी पता है? पता है ना सबको ये बात कि अगर आपके सामने दो लाइन है, दो लाइन की इक्वेशन मैंने दी है, तो यूनिक सॉल्यूशन आता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं। अगर इसके ऑप्शन है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आंसर बता दो क्या होगा। ये है आपका कैट 20 का क्वेश्चन है, ये आपका कैट 20 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है दैट इज मॉड के इज इक्वल टू 2, मॉड नहीं सॉरी के is not equal to 2, मॉड के इज नॉट इक्वल टू 2 या फिर के इज इक्वल टू 2, आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है? आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? सी ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर आप बच्चों का कहना है कि सर सी ऑप्शन होगा। और यार सेकंड ये भी ध्यान रखना, अभी आप देख रहे होगे कि मैं स्टार्टिंग में काफी सारी क्लासेस ले रहा था, लेकिन अभी मैंने क्लासेस कम कर दी हैं। उनको कम करने का रीजन थोड़ा ये भी है क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। क्योंकि एक चीज यार प्लीज ये चीज करो आप सभी बच्चे, यूट्यूब पे ना, भले मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा स्टिल ये कहना होता है कि अब ना यूट्यूब पे ज्यादा टाइम बिताना बंद कर दो, ठीक है। आने वाले जो हफ्ते 10 दिन है ना, यूट्यूब पे जरूरत से ज्यादा टाइम मत बिताओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, इस चीज को समझो। आज से पहले जब यूट्यूब नहीं था 3 साल पहले, तो भी बच्चों के पेपर क्लियर होते थे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आते थे। समझ गए आप सभी बच्चे, इस चीज का ध्यान रखो क्योंकि रियलिटी यही है। इस टाइम पर मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। यू नो कि ये शॉर्ट ट्रिक देखो, ये फलाना शॉर्ट ट्रिक से मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखाऊंगा आज, ये देखो ये वाली शॉर्ट ट्रिक आज हम बताएंगे, ये एग्जाम में आना ही आना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लो। समझ गए, ये राइट नाउ बहुत अच्छा टाइम होता है जितने भी यूट्यूब के कॉन्टेंट क्रिएटर होते हैं बच्चों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाने का, राइट। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, थोड़ा सा यूट्यूब पे कम टाइम बिताओ और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। इस पे जरूर आप लोग काम करें क्योंकि अभी सबको पता है कि यार अजीबो गरीब से थंबनेल डालो, व्यूज हमारे पास कमाल के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यार आप अपने लिए सोचो और राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है, रिवीजन पे। यहां पर देखना 2 इक्वेशन आपके सामने, मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ओके। यूनिक सॉल्यूशन है, देखते हैं यहां पर। क्या बताया था मैंने आपको, a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशो निकालो, यानी कि k अपॉन 4, और y के कोफिशिएंट का रेशो निकालो, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है k, एंड ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, यानी k इज नॉट इक्वल टू +-2। और ये जो +-2 का सीन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉड डाल देते हैं, यानी कि मॉड के इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका आप ध्यान रखें, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है जी। बात हाँ, 9 दिन में 90, समझ गए ना सभी बच्चों को, क्लियर है बात। चलो एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आप लोग बताएं आंसर क्या होगा। कृति, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है unacademy_raman, आप ये सर्च कर लो, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अभी 1 मिनट देना, तब तक मैं ऑप्शंस दूं बच्चों को। ये भी आपका कैट 20 का क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये आपका कैट 20 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं आपके, दैट इज 8, 6, 5 या 7, ठीक है, 8, 6, 5 या 7। एक बार आप सभी बच्चे इसको ट्राई करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो पे क्लिक करो, आपको जो ठीक लगता है उनसे पढ़ो, ठीक है। बहुत लोग हैं जो क्वांट्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट क्वांट्स का डालते हैं, बट द थिंग इज कि जरूरत से ज्यादा वीडियोस मत देखो, ठीक है। थोड़ा ना अब रिवीजन पे ध्यान दो यार, अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। आपके पास नोट्स होंगे, उनको रिवाइज करो। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो, कैश नहीं हुआ, करता हूं मैं राज, रिपीट करता हूं। एक बार ये वाला देख लो, तब तक आप, मैं करता हूं लास्ट वाला रिपीट। बाकी कृति नहीं मिला आपको, एक बार सर्च करो, मिल तो जाना चाहिए। कैपिटल यू करना Unacademy, ठीक है, _ का सिंबल डालना, कैपिटल आर और रमन, RAMAN, ये है टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो अभिनय वगैरह काफी बच्चों के आंसर सही हैं, ठीक है। चलो एक बार बात कर लेते हैं, एक बार लास्ट क्वेश्चन पे पहले मैं बात कर लूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ आया। एक बात बताओ यार राज, ये तो क्लियर है ना, ये जो बात मैंने बोली ये वाली बात, ठीक है, ये तो क्लियर था ना। देखो यार दो इक्वेशन है राज, kx प्लस में y इज इक्वल टू 3 और एक लिखा है 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या बोला यार, सबसे पहले ना हम x के कॉफिशेंट का रेशो निकालते हैं। जैसे x का कॉफिशेंट यहाँ पर k है, यहाँ पर 4 है, तो k अपॉन 4, और y का कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर k यानी 1 अपॉन k। तो k अपॉन 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन k सॉरी। इसको सॉल्व किया मैंने, ये k स्क्वायर हो गया, ये इधर आकर के 4 हो गया। अब आपको पता है कि अगर k स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है तो ऐसे में 4 को कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस 2, क्योंकि अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, यानी k शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट यार ये है राज कि अगर ऐसे लिखा होता है ना, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू 2 लिखा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। तो इसी चीज को रिवर्स समझ लो, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू 2 पे कैसा लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अगर लिखा है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो उसे आप रिवर्स करके क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर किया गया है, यहां पर जो आंसर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किया गया है। क्योंकि वैसे मेरा आंसर क्या है कि भाई के की वैल्यू ना तो 2 होगी ना ही -2 होगी, बट ये तो ऑप्शन में है नहीं ना, ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है मॉड की टर्म्स में, है ना। जैसे यहां पर 2 आंसर है, ये तो हो नहीं सकता इक्वल टू 2, ये भी नहीं हो सकता, तो मैं इन 2 पे गया कि k इज नॉट इक्वल टू 2 और मॉड k इज नॉट इक्वल टू 2, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड वाले करेक्ट होगा ना। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझते हैं। कहता है लेट m एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2n इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस m इक्वल टू 0 हैव रियल रूट। अच्छा, यहां पर एक खास बात बोली कि इनके रियल रूट है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रियल रूट कब आते हैं, इसके रियल रूट आते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब बच्चों को यह बात पता है, राइट, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां पर रियल रूट कब आएंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, इक्वल भी होगा विनीत, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं पहली क्वाड्रेटिक देखूं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2n इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट है m, तो m स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर कितना है 1, तो 1 आ जाएगा, और c मतलब कितना, दैट इज 2n, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8n। एक बात मैंने ये निकाली, सेम विद सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी सेम बात कि जी 2n का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4n स्क्वायर और ये 4m हो जाएगा, 4 से 4 तो कट ही जाना है, तो यहां पर हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। ये दूसरी बात। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी, यस और नो, ये पॉइंट क्लियर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दैट इज 4n स्क्वायर माइनस में 4m ग्रेटर देन 0, यानी 4n स्क्वायर और यहां पर ले आओ इसे 4m होगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो दैट्स वाई इस चीज को मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद है कि यार ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, आगे सुनते हैं बात को। अच्छा एक बात बताओ, इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो बात मैंने लिखी है, क्योंकि ऊपर जो कंपैरिजन है, यहां पर जो कंपैरिजन आपको दिख रहा है, यहां पर ना m स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इधर भी मैं स्क्वायर डाल देता हूं, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि n की पावर 4 और यहां पर m स्क्वायर कर देता हूं मैं, चलेगा? ये जो बात है, मैंने दोनों तरफ ना m स्क्वायर क्रिएट कर दिया, यहां पर भी m स्क्वायर और यहां पर भी m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8n और यहां पर m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n की पावर 4। तो अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर करूं, अगर इन दोनों बातों को मैं कंपेयर करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर n की पावर 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 8n, ये मैं बोल सकता हूं। यहां पर m स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 8n और यहां पर m स्क्वायर क्या है, लेस देन n की पावर 4, तो मैं ये कह सकता हूं कि 8n इज लेस देन n की पावर 4। तो यहां से ये n जो है इसकी पावर को कट करेगा, 3 आ जाएगा, यानी n क्यूब विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से n से एक रिजल्ट आ गया, n के लिए एक रिजल्ट आ गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर लास्ट पार्ट फिर से बताना। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आ जाना चाहिए। ओके यहां पर मैंने ये बोला कृति, पहला पॉइंट आई गेस कृति ये आपको क्लियर है, एन स्क्वायर वाला। ओके यहां पर चलो यहां मैं लिख देता हूं एक सेकेंड। या ना कृति मैंने ये बोला कि जो इक्वेशन थी, ठीक है, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, तो 2n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4m दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर, ये 4m इधर आकर के 4m बन गया। फिर क्या होगा कृति, 4 से 4 कट जाएगा, तो n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेकिन सीन क्या है ना, यहां पर जब मैंने कंपेयर किया था, कंपेयर करते वक्त यहां पर देखो m स्क्वायर था, जो पहला रिजल्ट मैंने निकाला था ना ये वाला, ये जो मैंने पहला रिजल्ट निकाला है, यहां पर क्या लिखा हुआ है m स्क्वायर। तो यहां पर भी आप m स्क्वायर क्रिएट करो, तो यहां पर m स्क्वायर क्या होगा, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये m पे स्क्वायर आ जाएगा, और n स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा n की पावर 4 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला रिजल्ट लिखा, ठीक है, ताकि ना n को मैं आपस में कंपेयर कर पाऊं, n को कंपेयर करूं। तो यहां पर m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8n है, और यहां m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n की पावर 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि n की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, n से n कटेगा तो n क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है। तो ये मैंने n का एक रिजल्ट निकाला कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई होप ये बात क्लियर है अभी, राइट है ये पॉइंट क्लियर। तो ये n का मैंने एक रिजल्ट निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर यूज कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, n की मिनिमम वैल्यू लेता हूं। तो n की जो n है मेरा, यहां पर n की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर n की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n 2 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। जैसे कि n की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, n की सबसे छोटी वैल्यू है 2। अगर n की सबसे छोटी वैल्यू 2 लेता हूं मैं, तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, m की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या आएगी कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 का मतलब 16, तो m स्क्वायर, और यहां पर 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से m की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो m की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m जो है वो 4 के इक्वल या उससे बड़ा है, जैसे कि 4 5 6 7 8, तो m की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी m प्लस n की, तो n की मिनिमम वैल्यू है 2 और m की मिनिमम वैल्यू है 4, तो इनके सम की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 6। तो ये एक प्रॉपर तरीका इसको डील करने का। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। और ये ध्यान रखना यार, अलजेब्रा में ना आपको मेथड क्लियर होने चाहिए, मेथड पे फोकस करो अलजेब्रा पढ़ते वक्त। डन है, क्लियर सभी बच्चों को। आज रखूंगा क्षितिज में सॉर्ट्स एंड डाइसेस का जो आप कह रहे हो ना पार्ट 2, वो मैं शाम को रखूंगा, आज स्पेशल क्लास रखूंगा उसकी मैं, हालांकि ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है यार आपके सामने कुछ इस तरह का, ये भी आपका CAT 20 का क्वेश्चन है, ये आपका CAT 20 का क्वेश्चन है, और ये टीटा है, ये टीटा फॉर्म में है, ये आपका टीटा फॉर्म में है। सर n स्क्वायर में नहीं रख सकते आयुष, n स्क्वायर में कहां पे रख सकते हो, लेकिन उसमें मैंने चेंजेस कर दिए थे ना, दैट्स व्हाई। उसमें ना डिपेंड करता है यार कुछ, उसमें ना डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कुछ इसमें कि अगर तो आपको लग रहा है कि रियल रूट पे बात की गई है, यू नो, अगर आपको ऐसा लगता है कि रियल रूट पे बात की गई है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, उसके रियल रूट दिए गए हैं, है ना, कि एक क्वाड्रेटिक है, जैसे यहाँ पे था कि ये जो क्वाड्रेटिक है इनके रियल रूट हैं, और आपको क्या चाहिए, आपको m और n का एक रिलेशन चाहिए, यू नो, जैसे आपको mn पे बात करनी है तो आपको mn का रिलेशन चाहिए। अगर आप सोचो सर सम ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यार आप इनके रूट्स तो निकाल नहीं सकते। अब जैसे एक क्वेश्चन देखोगे, कहीं मैंने आई थिंक यूज किया था सम ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पर रूट गिवन था, एक क्वाड्रेटिक का रूट दिया हुआ था, तो मुझे पता एक रूट दिया है तो दूसरा रूट मैं खुद निकाल सकता हूँ, तो वहां पर मैं सम ऑफ रूट यूज करके देन आंसर पे जा सकता हूँ। ठीक है कि सम ऑफ रूट पे मैं गया, देन आंसर पे पहुंचा। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पर मुझे एम एन का रिलेशन निकालना है, आपको रूट्स तो वैसे भी नहीं पता इसके, तो फिर आप रिलेशन पे जाओगे। बस दो ही चीजें होती हैं कुछ, या तो हम लोग सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बात करते हैं, या फिर हम इस पे जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना यार कुछ। अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पे बात करूं तो नहीं क्लियर हो पाता, तो आप क्या करो, आप दोनों में से जो ठीक लगता है वहां से शुरू करो, एक दो स्टेप लिख करके ही आपको पता लग जाएगा कि मैं गलत जा रहा हूं, तो पक्की बात है कि फिर दूसरी बात यूज करनी है। और ये बहुत कॉमन चीज है, एक पूरी क्लैरिटी ना कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें होती है, कुछ बच्चों को नहीं होती है, राइट। तो वहां पर आपको जो ठीक लगता है उससे शुरू करो, एक दो स्टेप लिख करके ही आपको पता लग जाएगा कि आप गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो। ठीक है, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें बोला है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन -20 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 99। तो यार ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे ये बताना है कि x और y के कितनी इंटीग्रल वैल्यू है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां से ना y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां से, या इसमें क्या बोला, x इज ग्रेटर देन y ना, x इज ग्रेटर देन y। एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो या तो आप, तो यहां से ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 99 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू मैंने निकाली, उम्मीद है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन है ना टू वेरिएबल में, तो यहां मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो इसका मतलब 99 माइनस 5y अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इट मींस ये 2 उधर जाएगा तो 2y माइनस का 5y इधर आ जाएगा तो 7y, तो ये हो जाएगा 99 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7y, है ना, क्योंकि ये 2 उधर जाके 2y माइनस का 5y इधर आके ऐड हो जाएगा तो 7y। अब 7 से जब आप 98 को कट करोगे, 99 को जब आप 7 से कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, y जो है वो 14 पॉइंट समथिंग से छोटा नंबर है, y की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से छोटा है और -20 से बड़ा है। तो यहां पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज 14, 13, 12, 11 डॉट 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 कहां तक, -20 तक। तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज है। अगर मैं y की पॉसिबल वैल्यूज पे बात करूं तो y क्या है, 14 के इक्वल या उससे छोटा है, बट -20 के इक्वल और उससे बड़ा है। तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज हैं 14, 13, 12, 11 से लेकर के -20 तक, राइट। लेकिन आपको ना सिर्फ y नहीं, आपको x भी बताना है, आपको सिर्फ y की इंटीग्रल वैल्यूज नहीं बतानी, आपको ऐसी वैल्यूज बतानी है x और y दोनों की, x और y दोनों के पॉसिबल पेयर बताने हैं, पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात को समझना, एग्जांपल के लिए मान लो मैं 14 लेता हूं, एग्जांपल के लिए मैं y की वैल्यू 14 ले लेता हूं। अगर मैंने y की वैल्यू 14 इस इक्वेशन में डाली तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इंटू 14 इक्वल टू 99। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 5 जा 70, वहां माइनस करोगे 29, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 14.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है। भैया x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए, आपने y की वैल्यू 14 ली यानी कि इंटीजर, बट x की वैल्यू 14.5 आ रही है जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 14 नहीं हो सकती। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। अब मान लो मैंने y को 13 ले लिया, अब मान लो मैंने y को 13 ले लिया, अगर मैं इसमें 13 पुट करता हूं, अगर इस इक्वेशन में मैं y की जगह लेट से 13 पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा 2x प्लस 5 इंटू 13 इक्वल टू 99। 13 5 65, 65 वहां पे माइनस करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी, x की वैल्यू 17 आ रही है तो ये तो करेक्ट है, यानी y की वैल्यू 13 ले सकते हो क्योंकि उस पे 17 आंसर आ रहा है। बट ऐसे वन बाय वन थोड़ी चेक करेंगे, ऐसे बार बार वन बाय वन तो आप चेक नहीं करोगे, तो सर कुछ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या, ध्यान से समझना, आप एक छोटी सी चीज ये ऑब्जर्व करो, जरा यहां पर आ जाओ, अब जरा ऑब्जर्व करते हैं बात को, थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं और यहां पर देखो जो x की वैल्यू है ये रही, यहां पर जो x की वैल्यू आपको दिख रही है। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, यहां पर देखो x की वैल्यू में क्या है, नंबर को ना ये x क्या लिखा है 99 माइनस 55 अपॉन में 2, अपॉन में क्या लिखा है 2। अब भैया 2 किस नंबर को काटता है, 2 उसी नंबर को डिवाइड करेगा जो कि इवन है। नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए इवन, तो यहां पर ऊपर की तरफ नंबर होना चाहिए इवन, ठीक है इवन होना चाहिए। अब नंबर इवन कब आएगा, नंबर इवन कब आएगा, 99 एक ऑड नंबर है, 99 क्या है एक ऑड नंबर है, तो आप जब ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो क्या आपका नंबर इवन आएगा, अगर आप ऑड में से इवन माइनस करोगे तो क्या आंसर इवन आएगा, नहीं, आप ऑड में से ऑड को माइनस करोगे तभी आपका आंसर इवन आएगा, राइट, ऑड में से ऑड माइनस होगा तभी इवन आएगा। तो इसका मतलब ये जो 5y दिख रहा है आपको 5y, यहां पर ये 5y जो है दैट शुड बी ऑड, ये आपका ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये ऑड नंबर कब होगा, अब जब आपने y जो है, अगर आपने लेट से y को ऑड ले लिया, y को आपने क्या करा ऑड लिया, अगर आप किसी भी ऑड नंबर में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड आएगा, लेकिन अगर आप मान लो 5 में कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इवन आएगा। तो यहां से क्लैरिटी ये मिल रही है कि जो y है ना, जो y है, y शुड बी ऑड, y एक ऑड वैल्यू होगी। क्या ये समझ आया सभी बच्चों को? और ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं वन बाय वन, वरना इतनी चीजें ना कई बच्चा बड़ी तेजी से डायरेक्ट सोच लेता है। मैंने क्या बोला कि जो x की वैल्यू है वो है 99 माइनस 5y अपॉन 2, अपॉन 2 का मतलब है कि न्यूमरेटर में जो है ना दैट शुड बी इवन, न्यूमरेटर इवन होना चाहिए। अब 99 माइनस समथिंग, 99 एक ऑड नंबर है तो ऑड में से ऑड माइनस होगा तभी इवन आएगा, तो 5y क्या होगा ऑड होगा। अब y क्या होगा, अब 5 में अगर आप ऑड मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ऑड आएगा, तो y यहां पर ऑड नंबर होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो ये सब मैं हटा देता हूं, तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका x है ना, तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो x है वो एक इंटीजर आए, अगर आप चाहते हो आपका x जो है वो एक इंटीजर आए, तो x को इंटीजर लाने के लिए आपका y क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, यानी y की एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है 14 से माइनस 20 एक पॉसिबिलिटी निकली, लेकिन y की एक्चुअल वैल्यू क्या होंगी दैट इज 13 होगा, 11 होगा, 9 होगा से लेकर के माइनस 19। क्या ये बात क्लियर सभी को कि x की वैल्यू जो है वो 13, 11, 9 से लेकर के माइनस 19, कितनी वैल्यूज हो गई 13, 11, 9 से माइनस 19। हालांकि कुछ बच्चे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि सर 17 आंसर होगा, यू नो, क्योंकि सर 14 से माइनस 20 टोटल 34 नंबर है, अब उन 34 में 17 ऑड होंगे और 17 इवन होंगे, ऐसे भी सोच सकते हो आप कि सर 17 ऑड और 17 इवन होंगे। अगर कोई बच्चा नहीं सोच पाता है तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1। लास्ट टर्म क्या दिख रही है आपको दैट इज माइनस 19, ठीक है, लास्ट टर्म क्या दिख रही है आपको माइनस का 19, फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है माइनस का 13 अपॉन में डिफरेंस कितने का चल रहा है, सॉरी यहां पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितने का चल रहा है क्योंकि एक एपी है माइनस टू तो डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 17। तो वाई की टोटल 17 पॉसिबल वैल्यू है, वाई की टोटल 17 पॉसिबल वैल्यू है जिन पर कि x एक इंटीजर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 17। क्या ये बात समझ आई सभी बच्चों को? सर सीधा बस x का कोफिशिएंट y की वैल्यू से माइनस करके तो भी सीधा वैल्यूज ही आती है ना। नोटिफिकेशन है, आपने क्या बोला सर? सीधा बस खैर ये समझ आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। तो आप एक बात को समझना, जैसे मैंने बताया कि ठीक है यार समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट आप इस चीज को समझना। एक बार सम अप कर देता हूं मैं शॉर्ट में। तो कुल मिला के बात ये थी कि सबसे पहले मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली जो कि 99 माइनस का 5y अपॉन में 2y की, ठीक है। पहली बात ये मैंने निकाली। फिर मैंने बोला कि जी देखो x जो है वो y से बड़ा है, यानी कि 99 माइनस में 5y अपॉन में 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी 99 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7y, यानी y विल बी लेस देन इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 14 से छोटी, यानी 14, 13, 12, 11 से लेकर के -20 तक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि x जो है वो एक इंटीजर आए, मैं चाहता हूँ x भी एक इंटीजर आए, तो उसके लिए y क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो y की ऑड वैल्यूज क्या होंगी, दैट इज 13, 11, 9 से लेकर के -19, यानी टोटल 17 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 17, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है अगर आपको याद हो तो। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने बात कर रखी है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी, मतलब ये क्वेश्चन है, हाँ इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने करा रखा है, आप सभी बच्चों को याद होगा। देखो इसमें मैंने एक बात बताई थी कि कब अगर मान लो आपके सामने लिखा है p रेस टू दी पावर q इक्वल टू 1, तो कब कब ये चीज पॉसिबल होती है। यहां पर तीन केसेस बनते हैं। पहला केस ये निकल के आता है कि जी q की वैल्यू 0 हो जाए, अगर q की वैल्यू 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 आता है। दूसरा केस होता है कि अगर p की वैल्यू 1 है, क्योंकि p को 1 ले लोगे तो 1 की कोई भी पावर करो आंसर 1 ही आना है। और थर्ड केस ये भी निकल के आता है क्या कि अगर p की वैल्यू -1 है, लेकिन इन दैट केस q की वैल्यू इवन होनी चाहिए, q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन, तो भी इस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तीन केसेस बनते हैं, तीन केसेस। तो पहले केस पे मैं आता हूं जिसमें कि पावर जो है वो 0 होगी, यानी अगर x प्लस 1 को मैं इक्वल टू 0 डाल दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। दूसरा केस, अगर मैं जो बेस है यानी कि जो p है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को अगर मैं इक्वल टू 1 डाल दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो 6 है यार, मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 5, तो 3 और 2 लेकिन -3 -2 लिखोगे, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और ऐड करने पे -5, फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है, तो 3 और 2, तो दो पॉसिबल वैल्यू ये आ गई एक्स की, ठीक है, दो यहां से निकल के आ गई। और देख लेते हैं, एक ये भी हो सकता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू -1 कर दो। पहले तो एक बार यहां तक मुझे बता दो, यहां तक सभी बच्चों को पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है अच्छे से। अच्छा ये आपका कौन सा, ये भी कैट 20 का क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन भी आपका कैट 20 का है, ठीक है। हाँ जी एक बार बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है पूरी बातें? हाँ यार यहां तक तो क्लियर है ना। अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। अच्छा आपको वैल्यू बतानी है इंटीजर्स, आपको इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। तो अगर आप ये जो इक्वेशन आपके सामने आप देख रहे होगे, इसका कोई मिडल टर्म स्प्लिट तो होना नहीं है, है ना। और वैसे भी अगर आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं निकालूं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 4 × 1 × 8, आंसर कितना आ रहा है 30, -7 आ रहा है। तो कोई डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ नहीं सकता, मतलब इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही है ये वाली, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन तो वैलिड ही नहीं गई। तो टोटल आपके पास तीन पॉसिबल आंसर आए, -1, 3 और 2। आई होप यार ये बात तो सभी को क्लियर होगी, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इमेजिनरी रूट आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, या हो सकता है कि मैंने ये भी कराया हो, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ इंटीजर x, a बी चूजन सच दैट, ये जो क्वाड्रेटिक है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, फंडे क्लियर करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। उत्कर्ष मैंने -1 से इक्वेट इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो जैसे ये देखोगे ना उत्कर्ष, यहाँ पे यहाँ पर क्या है कि एक एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, जिसे मैंने बोला p और उसकी जो पावर है उसको मैंने बोला q। तो अगर कोई भी फॉर्मेशन ऐसी लिखी है ना उत्कर्ष, दैट इज p की पावर q इक्वल टू 1। ठीक है, देखो होता क्या है उत्कर्ष, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर में 0 लिख दिया तो आंसर 1 आएगा, वैलिड है बात। दूसरा, अगर 1 की पावर में आप कुछ भी लिख दो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तीसरा, ये भी तो होता है ना उत्कर्ष कि अगर मान लो -1 है, -1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर इवन तो भी तो आंसर 1 आता है, -1 की पावर इवन है तो भी आंसर 1 आता है, राइट। तो बस वही बातें मैंने उठाई। पहला मैंने ये रखा कि भाई जो पावर है x+1 पावर में, पहला तो है कि जी पावर 0 कर दो, अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, तो यहां से एक रिजल्ट आया कि भाई x की वैल्यू -1। फिर एक होता है कि जो बेस है, बेस को 1 के इक्वल डाल दो, बेस को 1 के इक्वल डाला, वहां से 2 रिजल्ट निकल आए। फिर एक होता है कि भाई जो बेस है उसे -1 कर दो। अब मैंने बेस को -1 किया, लेकिन यहां से तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व नहीं हुई, तो यहीं पर ही बात खत्म हो गई। और अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व हो भी जाती तो चलो आगे एक और क्वेश्चन ऐसा, उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यार ये वाला आप लोग बताना इसका क्या आंसर होना चाहिए। शुक्रिया अंकित। अच्छा हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दो, पलक ने याद दिला दिया। अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अरे तो सच में कम लोगों ने करी है, क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अच्छा सच में कुछ मार्केट में हर कोई आपके वन शॉट की ही बात कर रहा है यार, ये तो अच्छी बात है। नहीं यार, एक ना एक्चुअली बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। अभी ना मैं आगरा गया था, मतलब एक्चुअली अच्छी फील आई मेरे को। तो मैं आगरा गया था और मैं ट्रेन में था, तो मैं वॉशरूम गया, और जब मैं वॉशरूम से आ रहा था ना तो एक बच्चा दिखा और वो एक्चुअली मेरी वीडियो देख रहा था। ठीक है, तो मेरे साथ पहली बार हुआ और मुझे देख के एक्चुअली थोड़ी अच्छी फीलिंग आई, मतलब बस मेरी नज़र पड़ी और मैंने कहा ओके चलो बढ़िया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली वीडियो देख रहा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो वन शॉट रखा था। क्या पता आप में से कोई हो। ठीक है, नहीं यार मैं एक्चुअली इसलिए नहीं मिला ना क्योंकि वो सुबह की ट्रेन थी और मैं ऐसे ही सो के उठ के चला गया था। ठीक है, पैजामा टी शर्ट पहन के बस ऐसी सोख, तो मैंने सोचा यार ऐसी हालत में मिलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ सही कह रहा, वहीं शुरू हो जाते कि यार इधर आओ भाई, यहाँ सामने बैठा हूँ मैं, तुम कहाँ फ़ोन में लगे हो, लाओ दिखाओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेयर इज ऑप्शन, हाँ अनुपम ने सही बोला, सर ये सब तो ठीक है कि ट्रेन में आपको कोई लड़का मिल गया, वो सब तो अच्छी बात है, पर इसका ऑप्शन तो बता दो क्या होगा। इसके ऑप्शन होंगे 7, 6, 4 या 5। ठीक है, ओके, सो कैट 20 का क्वेश्चन है यार ये भी। कैट 20 में तो बतेरे क्वेश्चन आ गए यार। ठीक है, 7, 6, 4 या 5 क्या लगता है जी, क्या आंसर होना चाहिए आपका? करें इस पे बात, करें जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं यार, अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा बात करते हैं, हालांकि आंसर आए हैं कई बच्चों के। सुमित का कहना है 7 और 6, गौतम 6, प्रिया 7, सुरजीत 7, नयन 7। इसी बात पे मैं भी बता देता हूं, हाँ ठीक है, ठीक मुझे भी आता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं भी सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूं। चलो शुरू करते हैं जी। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या है, एक बात को समझना। आप सबको याद होगा जब मैं क्वाड्रेटिक करा रहा था आप लोग को, तो मैंने एक बात बोली थी कि यार कभी भी ना ऐसे ही दिख रहा है मॉड एक्स, दिख रहा है मॉड एक्स, है ना, कि लाइक x² - 2 मॉड एक्स और प्लस में समथिंग। तो ऐसे में ना ये जो मॉड एक्स है इसको ना लाइक इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको देखो यार x² क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर है ना, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर को अगर आप चाहो तो मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसे में ना सिंपल रखने के लिए, ताकि चीजें सिंपल रहें, आप एक छोटा सा काम किया करो कि ये जो मॉड एक्स है ना, जैसे यहां पर मॉड एक्स है, इस मॉड एक्स को ना लाइक क्या बोलोगे, के बोल दो। चलो इस मॉड एक्स को आप बोल दो के, ठीक है। इसको आपने क्या बोला, के बोल दिया, एंड ऑब्वियसली फिर के ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां पर एक और मॉड, मतलब पहले ना मॉड को हटा दो ताकि चीज ना थोड़ी सिंपल लगे, तो पहले ना मॉड वगैरह हटा दिया करो। अब जैसे लिखा मॉड ए माइनस टू, क्या लिखा, मॉड ए माइनस टू, तो यहां पर जो मॉड ए माइनस टू है इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको कुछ नाम दे दो, पी नाम दे दो, कि भाई मॉड ए माइनस टू को मैंने पी बोल दिया, ठीक है। इस तरह से चीज को पहले सिंपल कर दो, ठीक। अब यहां पर आओ, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है कि भाई इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ इंटीजर बी चूजन सो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का है कि भाई ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। आपको वही तो बताने कि एक्स और ए की कितनी पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीजर होंगे जिस पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, मतलब इसके आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी वाई का जो कॉफिशिएंट है विच इज माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4ac मतलब 4p, तो 4 माइनस 4p विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यू नो 4 को वहां लेके चला जाऊं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो इससे रिलेटेड कि सर यहां पर बेसिकली 4 और सर ये जब इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 4p हो जाएगा, यानी कि सर p जो है p विल बी लेस देन इक्वल टू 1। थोड़ा सही तरह लिखता हूं मैं इसको, ऐसे लिख देता हूं मैं कि यहां से एक बात निकल के आई कि सर जो p है ना वो 1 के इक्वल या फिर उससे छोटा होगा, p शुड बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार ये बता दो पहले मुझे, एक बार बताएंगे आप सभी बच्चे, देवांश, नमन वगैरह जो भी हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है। सीधी सी बात, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बस ये बोला कि सबसे पहले चीजों को सिंपल कर दो, कि मॉड एक्स को के ले लो, ये जो मॉड है ना उनको कुछ लेट कर लो, और पहले उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो। और बस कंडीशन ध्यान रखना यहां पर जो भी कंडीशन चल रही है। अब मेरा जो पी है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ओके। अब आगे की कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर अगर p मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है तो p की दो पॉसिबिलिटी आती हैं, क्या, क्योंकि देखो अगर आपने बोला, क्योंकि देखो आपने p किसको बोला है, एक मॉडुलस की वैल्यू है, जैसे मॉड a माइनस 2 को आपने p बोला। अब आपको पता अगर मॉड में कोई भी फंक्शन लिखा होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, मॉड फंक्शन क्या होता है, दैट इज किसी फंक्शन पर अगर आपने मॉड डाला तो वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। तो भाई p की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल और उससे छोटी है, और अगर मॉड में एक फंक्शन है जिसे मैंने p बोला है तो इट मींस कि जो p है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर p की दो वैल्यूज आ रही हैं, p की दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू क्या हो सकती है दैट इज p इक्वल टू 0 और एक वैल्यू हो सकती है दैट इज p इक्वल टू 1। तो ये दो पॉसिबल वैल्यू p की निकल के आ रही हैं, एक है p इक्वल टू 0 और एक है p इक्वल टू 1। पहले मैं p इक्वल टू 0 यूज करता हूं, तो यहां पर मॉड a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2। तो पहले तो a की वैल्यू निकल के आ गई दैट इज 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई, आपकी a की वैल्यू 2 आ गई है और आई वुड से p की वैल्यू 0 है, तो p की वैल्यू 0 लेने पर a की वैल्यू 2 आ रही है। और यहां पर आ जाओ, ये जो क्वाड्रेटिक थी यहां पे पुट करो, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि p की वैल्यू 0 है, एक तो a निकल गया, अब जरा y निकाल लो, तो इट मींस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y कॉमन निकाल लूं तो यहां से भी y की दो वैल्यू आएंगी, एक y की वैल्यू 0 आएगी और एक y की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। y मैंने किसको लेट किया था, मॉड x को, तो मॉड x को अगर मैं इक्वल टू 0 डालूं x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर मैं मॉड x को 2 लिखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। तो इसने बोला था ना कि बताओ कितने पेयर बनेंगे, तो आप देखो कितने पेयर बने यार यहां पे। अब जैसे x की वैल्यू एक 0 ले लो, तो एक ये जो बताना था ना, एक x कॉमा a के कितने पेयर बने, तो एक तो आप x 0 ले लो तो 0 और a की वैल्यू तो 2 है, तो 0 कॉमा 2, एक x की वैल्यू 2 आ रही है और a की वैल्यू तो 2 है, तो 2,2, एक x की वैल्यू -2 भी है और ये भी 2 है, तो टोटल 3 पेयर तो यहां से बन गए, 3 पेयर तो मेरे यहां से बन गए, यहां से जब मैंने p को 0 के इक्वल लिया। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ये बात क्लियर है, क्योंकि कुछ बच्चे वरना बाद में रिपीट करने को बोलते हैं। देखो सीन देखो, सिंपल सा यार ये है कि मैंने क्या करा, मॉड एक्स को मैंने k ले लिया, ठीक है, और ये जो a माइनस टू है एक्चुअली y, अच्छा मैंने y लिख दिया क्या बाद में, चलो y ले लेता हूं मैं से, और ये जो मॉड a माइनस टू है उसको मैंने क्या करा p लेट कर लिया, और उठा करके मैंने क्वाड्रेटिक में लिखा, कंडीशन पे गया, p की वैल्यू आ गई। ये क्या रहा है, p की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे छोटी होगी और इसके अकॉर्डिंग p 0 से बड़ा होगा, तो p की दो वैल्यूज हैं, p की दोनों वैल्यूज पे पहले मैंने a निकाला, फिर मैंने y निकाला और y के थ्रू मेरा x आ गया। सिंपल सी गेम है, राइट? आगे की कहानी सुनना। अब अगर मैंने p इक्वल टू 1 लेता हूं, मैं अगर मैं p को 1 के इक्वल लेता हूं तो इट मींस कि मॉड a माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो यहां से a माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ना, एक 1 भी हो सकता है और एक a माइनस टू इक्वल टू माइनस 1 भी हो सकता है, तो यहां से a की वैल्यू 3 आ गई और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, तो a की दो वैल्यूज यहां से आ गई। और अगर मैं p की वैल्यू 1 इधर डाल दूं इक्वेशन में तो ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस में 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे y की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर आप ध्यान दो, या फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, इंटू करने पे 1 प्लस करने पे 2, तो 1 × 1 = 1, तो a की वैल्यू आएगी हालांकि यहां पर, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, यानी मॉड x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब देखो x की दो वैल्यूज आ रही हैं और a की दो वैल्यू आ रही हैं, अगर x की दो वैल्यू और a की दो वैल्यू तो कितने पेयर बनेंगे, 2 2 4, तो 4 पेयर यहां से बनेंगे। देखो यहां पर x की 3 वैल्यूज आई थी, अगर आप ध्यान दो यहां पर जब मैंने सॉल्व किया था तो यहां पर a की वैल्यू क्या थी 2 और x की वैल्यू क्या आ रही थी 0 2 और -2, तो x की 3 वैल्यूज थी, a की 1 वैल्यू थी, तो पेयर कितने बनेंगे 3 × 3 पेयर। यहां पर a की 2 वैल्यूज आई है और x की 2 वैल्यूज आई है 1 − 1, तो 2 और 2, तो 2 2 4 पेयर यहां पे बनेंगे, तो टोटल 7 पेयर बने। डन है, बात क्लियर? आगे बढ़े। अभिलाष, अभिलाष आपने क्या बोला कि सर 2 वैल्यू कैसे हुई, कहां पर अभिलाष, एक बार बता दो किसकी 2 वैल्यूज पे बात कर रहे हो आप, ए की बात कर रहे हो। देखो अगर आप यहां से ए हटा, जैसे मॉड हटाओगे ना तो ए माइनस टू की वैल्यू क्या होगी ± 1 होगी, तो अगर आप a माइनस टू को 1 के इक्वल डालोगे तो 3 आंसर आएगा और a माइनस टू को -1 के इक्वल डालोगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, p इक्वल टू 0। डन है बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन है हाँ द्रोणाचार्य फॉर्मूला भी यूज होता है। अच्छा p की वैल्यू 0 और 1 कैसे, चलो तब तक बाकी बच्चे सॉल्व करो। p की वैल्यू 0 और 1 इसलिए हुई है, किसने बोला, अभिलाष ने, इसलिए हुई थी। अभिलाष देखो मैंने एक तो ये बोला था, मैंने a माइनस टू को बेसिकली मैंने क्या लेट किया था, p लेट किया था। देखो यार अगर कोई भी फंक्शन मॉड में है तो हमेशा ≥0 होता है, तो इसका मतलब जो p है वो ≥0 है। एक बात तो ये निकल के आई अभिलाष, क्योंकि अगर आप मॉड a माइनस टू को p बोल रहे हो तो p क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। p बेसिकली एक मॉडुलस फंक्शन को लेट किया गया है और मॉडुलस का फंक्शन हमेशा ≥0 होता है, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दूसरी बात यहां पर अभिलाष कि जो मैंने ये वाला रिजल्ट यूज किया था ना b² - 4ac वाला, यहां पर कि b² - 4ac इज ≥0, तो यहां से p की वैल्यू आ रही थी < < 1, तो यहां से इसके थ्रू p इज ≥0 और वो जो b² - 4ac वाली बात मैंने यूज की थी उसके अकॉर्डिंग p इज < <1, तो p की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी है और 1 के इक्वल या उससे छोटी है, तो इसलिए p की दो वैल्यूज हैं 0 और 1। ठीक है अभिलाष, फंक्शन ग्राफ यार एक्चुअली ना मैं या तो इस करता हूं मैं इसमें। चलो एक बार इसका बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है आगे समझ में। अच्छा कृति मिली नहीं रहा आपको, तो देखो अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन का है और बेसिकली एक जनरल सी इक्वेशन आपको बनानी है और कुछ खास नहीं है। ओवर क्रिएटिव नहीं होना है, ठीक है, भावुक नहीं होना है कि 2 सेकंड में आंसर निकाल के दिखा दूंगा आज मैं, ठीक है, इतना नहीं करना है। देखो यार क्या नाम है, एरन, अरुणी लिख देता यार, फालतू के पंगे। ठीक है, एरन नाम के एक भाई साहब हैं, ठीक है, जो कि कुछ पेंसिल खरीदते हैं, कुछ शार्पनर खरीदते हैं, और स्पेंडिंग द, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, और शार्पनर, ठीक है, ऑप्शन देना। अच्छा, हम तो दिल्ली में वैसे शॉर्पनर ही बोलते आते थे शुरू में, भैया शॉर्पनर दे देना, बाद में पता लगा ओके शार्पनर, काफ़ी कुछ गलत बोला है लाइफ में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एरन जो है वो कुछ, अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ पहले यार, अगर इसके ऑप्शन है तो। इसके ऑप्शन है 33, 27, 30 एंड 36। अच्छा श्रेया, पहले आपने शॉर्ट में ओडी लिखा, वो इसलिए लिखा था ऑप्शन देना, बढ़िया जी। हाँ कटर, वो तो मैं भूल ही गया, खुशी कटर, हाँ कटर देना भैया। और अब कोई ज्यादा मत हो जाना कि अजी हम तो ब्लेड मांगते थे सीधा, ठीक है, हम तो सर ब्लेड वाले हैं, हमने तो ब्लेड मांगे, शार्पनर वगैरह का हमें नहीं पता। जब तक सर पेंसिल छीलते वक्त उंगलियां ना कट जाएं, फिर मजा ही क्या उस चीज का सर, इसलिए हम सीधा मांगते थे ब्लेड, ठीक है। ओके जी, आ गया आंसर, हुआ है। हाँ बच्चे भावुक हो जाते हैं ना, उन्हें भी खून पसीने की मेहनत करनी है। चलो करें एक बार डिस्कशन, हालांकि कई बच्चों के आंसर आए हैं। प्रिया का कहना 33, हीरो का कहना 33, और सुमित, अंश, अनुभव, शिवा, सही है, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। देख लेते हैं, बात करते हैं, देखो कहना क्या चाहता है, क्यों परेशान है इंसान, देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है एरन है जो कि कुछ पेंसिल खरीदता है, कुछ शार्पनर लेता है, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज एरन। अच्छा, एरन के जितना ही पैसा खर्च किया आदित्य ने, पर वो क्या करता है, वो डबल नंबर ऑफ पेंसिल लेता है, पर शार्पनर 10 कम खरीदता है, ठीक है, शार्पनर उसने 10 कम खरीदे, लेकिन भाई साहब ने पेंसिल डबल खरीदी है। जो कॉस्ट है एक शार्पनर का वो ₹2 ज्यादा है देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। और क्या बोलना चाहता है, कहता है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल बताओ जो कि एरन और आदित्य ने खरीदी है। तो सिंपल सी बात है यार, कुछ एक चीजें मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखता हुआ चलता हूं, आप लोग समझना। एक काम करते हैं, पहले बात कर लेते हैं किस पे, एरन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जब हुआ है तो आदित्य ने डबल पेंसिल खरीदी है, 10 शार्पनर कम खरीदे हैं, शार्पनर का प्राइस पेंसिल से ₹2 ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे कि जो एरन ने पेंसिल खरीदी है वो पी नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी है, कितनी, दैट इज पी नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी है, और यहां पे जो शार्पनर है ना वो पेंसिल से ₹2 महंगा है, तो पेंसिल मान लो ₹X की है, तो अगर उसने पी पेंसिल खरीदी ₹X में, तो पेंसिल कितने रुपए में खरीदी, PX। अच्छा, उसने शार्पनर कितने खरीदे थे एरन ने, तो उसने S नंबर ऑफ शार्पनर खरीदे, और शार्पनर क्योंकि पेंसिल से ₹2 महंगा है तो शार्पनर कितने रुपए के खरीदे, यहां पर आ जाएगा X+2, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो पेंसिल और शार्पनर बेसिकली इतने रुपए के एरन ने खरीदे। लेकिन वहीं जो आदित्य है वो क्या करता है, वो डबल नंबर ऑफ पेंसिल खरीदता है, इसने पी पेंसिल खरीदी, इसने 2P पेंसिल खरीदी, इसकी पेंसिल ₹X की, ऑब्वियसली इसकी भी ₹X की, तो 2PX। इसने S नंबर ऑफ शार्पनर खरीदे, इन भाई साहब ने 10 कम खरीदे, ठीक है, इसने कितने खरीदे S-10, और शार्पनर का रेट है X+2। तो ये है कि भाई एरन ने कितना खर्चा किया, ये है आदित्य ने कितना खर्चा किया, बीच में इक्वल टू आना ऑब्वियस है क्योंकि दोनों ने इक्वल पैसा खर्च किया है। ये बता दो, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, यहां बैठे सभी बच्चों को ये जो इक्वेशन लिखी ये क्लियर है ना, क्योंकि इक्वेशन क्लियर है तो फिर कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, फिर आप सॉल्व कर लेना यहां पर यार, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। ये हो गया PX, हो गया ये आपका SX, हो गया ये आपका 2S, हो गया ये आपका 2PX हो गया, इसको सॉल्व करूंगा तो SX आ जाएगा, प्लस में 2s आ जाएगा, माइनस का 10x हो गया और ये माइनस का 20 हो गया। काफ़ी सारी वैल्यूज़ मुझे फीलिंग है कि कट जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2s से 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, sx से sx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2px को इधर ले आओ तो ये px हो जाएगा और इसको उठा के वहाँ पर ले जाते हैं तो ये 10x प्लस 20 हो जाएगा। राइट है जी बात। हालांकि मुझे बात किस पे करनी है, काम करो 20 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है, और इसे माइनस का 10x ही रहने दो। तो अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ 20 और अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो p माइनस 10 बचेगा। और आपको पता है कि यार नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ होनी चाहिए, राइट। समझते बात को। यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि भाई इन्होंने कितनी पेंसिल बेसिकली खरीदी है। अब आप खुद एक छोटा सा पॉइंट यार समझना, क्या कि जो P है ना, P की वैल्यू आप 10 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने P को 10 ले लिया तो इसका पूरे का आंसर 0 होगा, 20 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर P की जो मिनिमम वैल्यू आप लोगे, तो यहाँ पर जो P की आप मिनिमम वैल्यू लोगे दैट विल बी 11 रुपये। इसमें कोई दिक्कत, 11 रुपये नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ पेंसिल आप 11 लोगे, क्योंकि यार आप नंबर ऑफ पेंसिल जो है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ पेंसिल आप 10 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने पेंसिल 10 ले ली तो 10 माइनस 10 राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, तो 0 20 के इक्वल हो नहीं सकती। आप नंबर ऑफ पेंसिल 9 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 9 ले लिया तो 9 माइनस 10 करने पे आंसर में क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। और जो x है, x क्या है, पेंसिल का कॉस्ट। भैया पेंसिल का कॉस्ट जो है वो तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, अब किसी भी पॉजिटिव नंबर में माइनस 1 इंटू करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, लेकिन इक्वल टू में लिखा है 20 विच इज पॉजिटिव। तो जो p की वैल्यू है यहाँ पर, p की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 10। अब 10 से बड़ा सबसे छोटा नंबर है 11, तो p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 11। अब एरन और आदित्य ने कितनी पेंसिल खरीदी है, तो आदित्य ने एरन ने खरीदी थी p नंबर ऑफ पेंसिल, आदित्य ने खरीदी है 2p, तो टोटल पेंसिल कितनी है, p प्लस 2p मतलब कि 3p। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11 यानी कि 33। डन है बात। इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन है आपका कैट 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 कौन सा, 20। अरे भैया 20 चलता रहेगा, लग रहा कैट 20 में सिर्फ एल्जेब्रा ही आया था, ठीक है। भावुक हो गए बोलो एल्जेब्रा को लेकर के। खैर जी, अच्छा यहां बैठे सभी बच्चों को बात पता है ना कि x प्लस 1/x की जो x प्लस 1/x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से छोटी नहीं होती। ये बात सभी बच्चों को पता है ना, सबको ये बात पता है। किसी से भी पूछोगे राह चलते इंसान से कि एक्सक्यूज मी भाई साहब, x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो कहेगा जी 2 होती है। कैसी बात कर रहे हैं, हमने भी अपने टाइम पे कैट दिया था, ठीक है, तब होगा मूड खराब। राइट है जी बात। तो x प्लस 1/x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। नहीं पता तो याद रखना, सर वो स्क्वायर है या मल्टीप्लाई में 2? बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रीत, ये स्क्वायर है भाई। ठीक है, 2 नहीं है। ये क्वेश्चन आ ऐसे, हाँ x प्लस 1/x पे काफी क्वेश्चन आता है। चलो यार काफी बच्चों ने आंसर बता दिया, विच इज गुड। आप कहोगे सर देखो टुच्ची सी बात है, सर एक काम करो, x प्लस 1/x है ना, पहले सर सिंपल करो चीजों को, कि अपने को क्या है ना सर सिंपल चीजें पसंद है, तो सर चीजों को आसान रखा करो, ये सब इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। आप x प्लस 1/x को y ले लो ताकि चीज दिखने में आसान लगे। तो सर पहले ऐसे मन में y सोच लेते हैं, तो ये क्या हो गया सर, वाई स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है, प्लस करने पे 3 लाना है। आपने कहा 2 फैक्टर होंगे, 2 1 2, 2 और 1 को ऐड करके 3 आता है। लेकिन सर यहाँ पर माइनस 3 है, तो आप माइनस का 2 और माइनस का 1 लिखोगे, फिर सर फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है। तो सर यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और आई वुड से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सर जो y है ना वो एक्स प्लस 1/x है, तो सर एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो सकती है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 तो सर हो ही नहीं सकती, तो यहां से तो छोड़ो, तो x का आंसर 1 आएगा। ठीक है, डन है, डन है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया था आप सभी बच्चों को, जो हमने वो 3 कंडीशन करी थी, याद है? 3 कंडीशन जो हमने करी थी, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या बोला था मैंने कि अगर a की पावर b है एंड दैट इज इक्वल टू 0। पहला होता है कि भैया बेस जो पावर है ना, कि सर जो पावर है वो 0 हो सकती है। अब पावर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। तो पहला तो सर ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0 कर दो सर। एक कंडीशन ये कि पावर को 0 कर दो। एक कंडीशन सर ये हो सकती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 जो आपका बेस है उसको 1 कर दो। और एक ये भी हो सकता है कि सर जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 वो माइनस 1 हो जाए। हाँ, बट इस केस में सर, एंड इस केस में ये ध्यान रखना है सर कि जो पावर है ना एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 42 सर ये इवन होना चाहिए, फिर ये इवन होना चाहिए। तो सर ये 3 कंडीशन है, फटाफट से सॉल्व कर लो आप, ठीक है? तो मैंने कहा चलो जी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 42 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 7 6 42, ऐड करने पे 13 आएगा, लेकिन फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है, तो -7 -6। तो एक तो ये हो गया। यहाँ पर 1 को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। अच्छा, 10 के 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 2 10, 5 और 2 7 होता है, लेकिन फाइनल आंसर में साइन पलट जाएगा क्योंकि +5 +2 लोगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, ये 2 वैल्यूज आ गई। यहाँ पर मैं आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये -1 इधर आएगा 12 और इक्वल टू 0। 12 के 2 फैक्टर करो 7 के लिए, तो 4 3 12, 4 और 3 7, लेकिन फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है -4 और -3। पर आप इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करोगे, जैसे यहां पर आपने दोनों वैल्यूज कंसीडर करी -7 और -6, यहां पर दोनों कंसीडर किए -5 और -2, यानी यहां पर आपने -7 कंसीडर किया, -6 किया, -5 किया, 2 किया। क्या आप सीधा सीधा -4 और 3 को कंसीडर कर लोगे या पहले कुछ चेक करोगे? सीधा तो कंसीडर नहीं करेंगे ना, कुछ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि सर ये इवन बनेगा या नहीं बनेगा। ये जो लिखा ना आपने एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, तो ये जो -4 और -3 है, इस पर ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो पावर है वो इवन है या नहीं है, ये चेक करेंगे। तो आप यहां पर ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, पहले इसमें x की जगह -4 डालो, तो -4 का स्क्वायर -13 इंटू -4 और प्लस 42, क्या आंसर आएगा जी? तो आप बोलोगे सर -4 का स्क्वायर वही अपना 16 हो गया, 52 हो गया, यानी और 52 प्लस 10 यानी -10, आंसर 6 आ रहा है सर, 6 आ रहा है, मतलब इवन आ रहा है। तो सर ये -4 करेक्ट है, कंसीडर कर लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा -3 का क्या करें, आपने कहा सर पुट करके देखो, इसमें इवन आ जाए तो ले लेना। तो मैंने कहा भाई -3 का स्क्वायर और -13 इंटू में -3 और प्लस 42, तो क्या बन, अच्छा ये तो प्लस ही तो हो जाएगा, 6 नहीं आएगा यार, ये तो प्लस हो गया ना, -- प्लस 52 होगा। अच्छा 16 प्लस 52 प्लस 42 इवन ही आना यार, इवन ही आएगा क्योंकि सारे इवन नंबर ऐड हो रहे हैं ना। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 13 3 का कितना होता है, 39 होता है, और प्लस में 42। ऑड में ऑड ऐड करोगे इवन, इवन में इवन ऐड करोगे इवन ही आना है, तो ये भी आपका इवन आएगा। तो जी -3 भी आप कंसीडर करोगे, तो टोटल 6 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, ठीक है? सर वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना सर, साइन एरर, क्या साइन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, फाइनल आंसर में साइन पलट तो जाते हैं। हाँ, यहां पर -2 आएगा, ये -2 आएगा, -5 -2 आएगा। नहीं, मैंने उल्ट गलत लिखा है ना, आ, 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 ना, 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 गलत है, गलत है, गलत है, एक सेकेंड, साइन शायद मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। यहां पे जब यार मैंने फैक्टर करे हैं तो माइनस का 13 ना, हाँ, तो -7 -6 होना चाहिए, -7 -6, तभी तो -13 आएगा, लेकिन फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है, तो 7 और 6 लेंगे। यहां पर -5 और -2 होगा, तभी तो -7 आएगा, फिर फाइनल आंसर में साइन पलट जाएगा, 5 और 2 होगा। यहां पर 4 3 12, लेकिन -4 -3, फिर फाइनल आंसर में साइन पलट जाएगा, 4 और 3। तो यहां से एक x की वैल्यू 7 6 5 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 2 वैल्यूज है ना 4 और 3, इस पे जरा चेक कर लेना कि पावर आपकी इवन होनी चाहिए, जो पावर है ना पावर इवन होनी चाहिए, ये चेक कर लो बस। अब पावर के लिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, तो पहले x की जगह 4 डाल दो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4 प्लस 42, तो माइनस का 52 6 आंसर आएगा जो कि इवन है। तो ये ठीक है, 4 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू 3 प्लस 42 आंसर क्या आएगा आपका 13 3 सा 39 हो गया और आंसर अभी भी 6 आएगा ना 39 3 जो भी आंसर इवन ही आएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 3 तो टोटल 6 पॉसिबल वैल्यू हो गई। सही है जी, बात क्लियर? हाँ पॉजिटिव आएगा, सीख रहा हूं अभी मैं। ठीक है, धीरे धीरे अपनी क्वांट्स को मैं इंप्रूव कर लूंगा तो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आप सबने इग्नोर कर दिया होगा। हाँ राजवीर अब सही है जी, अब बढ़िया है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यार ये वाला आप लोग ट्राई करें एक बार। किसने पूछा? 4 के क्या नाम है प्रभित। प्रभित चेक इसलिए करेंगे क्योंकि प्रभित जो तीसरी कंडीशन है ना, ये जो थर्ड कंडीशन है, इस थर्ड कंडीशन के हिसाब से ये वाली जो कंडीशन है इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने जो बेस है ना, बेस को मैंने -1 लिया है। तो जो पावर है ना, पावर आपकी इवन होनी चाहिए तभी 1 आएगा, तभी 1 आएगा। अगर बेस -1 है और पावर इवन है तभी आपका आंसर 1 आएगा ना, तो दैट्स वाई। ठीक है, क्योंकि 3 बातें होती हैं। एक होता है कि पावर को 0 कर दो जो मैंने यहां पे किया, बेस को 1 कर दो, लेकिन एक ये भी होता है कि बेस को करो -1 और पावर होनी चाहिए इवन। तो उस केस में क्योंकि -1 की पावर अगर आप इवन करोगे तो भी तो आपका आंसर 1 आता है। तो दैट्स वाई जब आप बेस को -1 लेकर के एक्स की 2 वैल्यूज निकाल रहे हो तो उन वैल्यूज पे यह भी चेक कर लो कि जो पावर है वो इवन आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो हालांकि हो सकता है उस टाइम पे एग्जाम में जिन भी बच्चों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा उनका तुक्के में सही आंसर आ गया होगा, इस बात के बहुत चांसेस हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और चलो जी कैट 20 के क्वेश्चन खत्म, अब ये कैट 19 का क्वेश्चन। ठीक है, मुबारक हो सभी को, खत्म हुए आपके कैट 20 के क्वेश्चन 6, 8, 16 या 12। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था यार, देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो लिखा है ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले ना कोई भी डेटा उसको सिंप्लीफाई करो, जितना कांस्टेंट आप बना सकते हो उतनी कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करो। कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो जितना भी ये हो सकता है। तो आपने क्या करा, आपने यहां पर लिखा एन स्क्वायर। देखो एक काम करो, इससे डिवाइड करना है एन स्क्वायर -n -12। तो एक काम करो, जो 7n है, क्या 7n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -n + 8n। बच्चा कहेगा क्यों सर क्या खराबी थी इसमें जो है आप बदल के लिख रहे हो। ठीक है, बेसिकली मुझे डिवाइड जब करना है तो डिनोमिनेटर में -n है तो मुझे ना ऊपर की तरफ -n क्रिएट करना है। तो दैट्स वाई मैंने 7n को क्या लिखा -n + 8n लिख दिया। अब मुझे ना ऊपर एक -12 चाहिए, तो क्या मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूं -12 + 24 है ना, ऐसे लिख देता हूं। तो इससे होगा क्या कि जब आप डिवाइड करोगे ना, आप जब अभी डिवाइड करोगे, अब एक काम करो तीनों टर्म्स को एक साथ कर दो -n² - n - -12 और ये जो 8n और 24 है इसको भी लिख दो, या फिर एक काम करो इसके साथ अलग कर दो और यहां पर ये जो है ना 8n + 24 इसके साथ इसे अलग कर दो, दैट इज n² - n - 12। ये बात कितने बच्चों को समझ आई है? हाँ जी, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। अब 40 मिनट और होगी क्लास, 40 to 45 मिनट और रखेंगे। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा है ना, यहाँ से आप 8 कॉमन निकाल, 8 नहीं सॉरी, यहाँ से आप कितना कॉमन निकाल लो, दैट इज हाँ 8 ही तो निकालेंगे, क्या कर रहा हूँ मैं 8 अगर आप कॉमन निकाल लो n + 3 हो जाएगा और ये जो नीचे की तरफ फैक्टर है इसमें क्या होगा -4 और +3। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा आपका n - 4 और a मिडल टर्म स्प्लिट कर देना, यहाँ पे 1 हो जाएगा n + 3। तो n + 3 से n + 3 कट जाएगा, बेसिकली आएगा 1 + 8 / n - 4। ठीक है, n - 4। अब हमें करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। पॉइंट मेरा यह है कि ये बताओ लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज आल्सो पॉजिटिव, कि उस पर भी ये आंसर आपका क्या निकल के आए, पॉजिटिव निकल के आए। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। अब बात को ध्यान से सुनना, देखो यहां पर पॉइंट मेरा ये होगा, देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपको ना मैक्सिमम आंसर बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ना यहां पर n की एक बड़ी से बड़ी वैल्यू ऐसी बतानी है, n की ना एक बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है जिस पर कि एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको ये वाला, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव आ जाए। अब ऐसा कब होगा, ऐसा पता कब होगा, जैसे 8 के अपॉन में क्या लिखा है मैंने n-4 लिखा हुआ है। तो यहां पर आप एक काम करो, अगर आप इसको ऐसे समझना मेरी बात को कि लेट से n जो है ना, अगर आप ऐसे समझो n को आप जितना ज्यादा बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, मतलब आंसर ना उतना छोटा आने लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बात समझना आप, जैसे कि क्या नाम, देखो आंसर क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए। एक रफ आइडिया लेते हैं, एक बार ऐसे एक रफ आइडिया लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ बात को। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं n की ना वैल्यू 4 से छोटी लेता हूं, लेट से 4 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए -2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने -2 ले लिया, 4 से छोटा नंबर, तो ये क्या बनेगा 1 + 8 अपॉन -2, लाइक ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा 1 - 4/3 आंसर होगा। इन शॉर्ट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट आपको आंसर चाहिए पॉजिटिव, आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो इन दैट केस n की वैल्यू जो है वो आपको 4 से बड़ी लेनी होगी, आपको n की वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यूज लेनी होंगी, 4 से बड़ी वैल्यूज, ताकि आंसर पहली बात तो पॉजिटिव आए। लेकिन उसमें भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। यानी अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से बात करूं कि मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे मैं बात करूं, तो भैया आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 4 से बड़ी ले लो तो आपका आंसर पॉजिटिव तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक चीज सोचो, अब 4 से बड़ा क्या क्या ले, अब मान लो 4 से बड़ा नंबर, मैंने कहा बताओ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब लार्जेस्ट में यार मान लो आप n को 20 ले लो, ऐसे रैंडम में बोल रहा हूं, मान लो n उठा के आपने 20 ले लिया। अब अगर आप 20 ले लेते हो तो ये 8 और ये कितना होगा 20 में से 4 माइनस कर दूं मैं 16, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी 1 + 1/2 कितना आंसर बनेगा आपका, दैट इज 1.5 बनेगा, है ना। और बड़ा नंबर ले लो, n की वैल्यू काम करो 200 ले लो, अभी 20 ली थी ना, आप 200 ले लो। अगर आप 200 लोगे आंसर क्या होगा 1 + 8 अपॉन में 200 में से 4 माइनस कर दो तो 196। आंसर क्या होगा बहुत छोटा, समझो 1 + 196 से इसको डिवाइड करोगे ना, आंसर पता क्या आएगा 0.0 समथिंग, यानी आंसर होगा 1.0 समथिंग। आपको आंसर चाहिए, बड़े से बड़ा आंसर चाहिए, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव तो हो और बड़े से बड़ा आंसर हो। तो बड़े से बड़ा आंसर क्या हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इंक्रीज करने के लिए ना आप इसकी वैल्यू 1 ले सकते हो आप, क्योंकि आप अगर n को इंक्रीज करते ही चले जाओगे तो आंसर और छोटा होता चला जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर और ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो यहां पर आपको 8 अपॉन n-4 को ना बेसिकली 1 लेना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, इसको 1 लेना पड़ेगा ये, क्योंकि इसको 1 क्रिएट किया जा सकता है। और ये 1 कब बनेगा, ये 1 बनेगा जब n की वैल्यू 12 आएगी। n की वैल्यू 12 लेने पर ये आंसर आपका 1 बनेगा, तो 1 + 1 यानी 2 आंसर आएगा। क्योंकि आप बात को समझ गए ना, अगर मैं एज अ इंटीजर बात करूं तो एज एन इंटीजर ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है एज अ इंटीजर, अगर मैं बात करूं तो ये चीज पहली बात जीरो तो हो नहीं सकती, है ना, जीरो आप कर नहीं सकते क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अगर मैं n को बढ़ाता जा रहा हूं तो आंसर 1 से छोटे ही होते चले जाएंगे। तो मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब इसकी वैल्यू मैं 1 लूंगा। और इसका आंसर 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू 12 होगी। समझ आया सभी बच्चों को? प्रशांत अभी सारे काफी सारे हो गए हैं, ठीक है, काफी सारे हो गए। आपने बोला सर n 5 नहीं हो सकता, इंटीजर है ना यार, इंटीग्रल वैल्यूज देखनी है, इंटीजर डेसिमल में आ जाएगा। अगर मैं n को 5 लेता हूं या 6 लेता हूं तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा ना। गौतम इंटीजर लिखा है, सिक्स पे बात करो, किस पे बात करो? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, उसमें आपने n की पॉजिटिव वैल्यू कहां पर ली, मतलब आपने n की पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है ना, n की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। अगर आप, क्योंकि देखो मेन मुद्दा ये है, आप इस चीज को समझना, मेन मुद्दा ये है कि आपको ना n की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, आपको n को लार्जेस्ट लेना है, आपको n को लार्जेस्ट लेना है, जिससे कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव आए। n की एक लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है जिस पर ये पॉजिटिव आए। अब कोई बच्चा कह रहा है सर 5 ले लो, तो भाई 5 पर पॉजिटिव तो आ ही जाएगा, 5 पर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यार आप इस चीज को समझना कि n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि 5 हो गई, यू नो 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, है ना, 9 हो गई, 10, 11, 12, ये सारी वैल्यूज हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पे, तो वो तो 12 ही होगी ना। राइट, एक्सप्रेशन को नहीं, n की लार्जेस्ट वैल्यू उठानी है। क्लियर है बात सभी बच्चों को? इनफैक्ट मैं बताऊं, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? इसमें लिखा भी होना चाहिए था वैसे। वैसे n ना थोड़ा मेंशन कर देते तो और बेटर होता। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, इन्हें ना यहाँ पर n मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n। यू नो यहाँ पर क्वेश्चन में ना n मेंशन करना चाहिए। तो ये आप लोगों की गलती नहीं है, क्वेश्चन की भी थोड़ी सी गलती है कि उन्हें थोड़ा और अच्छे तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए था। चलो, ए बी आर रियल नंबर देन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन कब ये आपको बताना है। ये भी आपका कैट 19 का क्वेश्चन है। इसने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं यार? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0, क्योंकि रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो बी स्क्वायर जब मैं करूंगा, x का कोफिशिएंट -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, a यानी कि 1 और c यानी कि माइनस का लॉग a विद द बेस 2। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 16 को 16 वहाँ भेज दो, तो इधर आकर के माइनस का 16 हो जाएगा, और ये तो प्लस में हो जाएगा, दैट इज 4 लॉग a विद द बेस 2। 4 इसको कैंसिल आउट करेगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। फिर आपको यार पता है, जैसे मैंने बताया था, कभी भी लॉग को अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो लॉग का बेस होता है ना, ये दिख रहा है, जो लॉग का बेस है, ये जो लॉग का बेस आपको दिख रहा है, तो बेस अपनी साइड चेंज करता है और वो राइट हैंड साइड को अपनी पावर में ले लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -4 हो जाएगा। आपको पता है कि यार किसी भी नंबर की पावर, लाइक -a लिखी है, पावर को पॉजिटिव करना है, बेस का रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि a इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4, तो a इज ग्रेटर देन 1/16। उम्मीद है कि यार ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार बताएंगे सभी बच्चे चैट के थ्रू? डन है बात? सिंपल सी चीज है। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, किस बात का आयुष? देखा नहीं होगा मैंने। सर n = 8 ले सकते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है ना आयुष, लार्जेस्ट बताया तो, n की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है आयुष आपको। तो लार्जेस्ट तो 12 है ना, 12 पे आंसर आ रहा है, 12 पे मैंने लिखा था ना आयुष, तो 12 पे आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ बिल्कुल होंगे यार, सारे कराऊंगा मैं, कल थोड़ा लंबा सेशन रखूंगा, कल मैं खत्म करा दूंगा सारे। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज द रूट 4a and 3a। ये है आपका कैट, ये है आपका क्वेश्चन, दैट इज ऑफ कैट 19 का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये आपका कैट 19 का क्वेश्चन है। तो एक बार देखना इसमें क्या लिखा है। कहता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके लिए जिसके 2 रूट है 4a 3a, वेयर a इज एन इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b² - 4ac। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, अब देखो जैसे अभी आई थिंक कुछ बोल रहा था, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर कब पता लगता है सम ऑफ रूट पे बात करनी है या डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब यहां मुझे लगता है क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहां सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बात होगी, क्योंकि आपको रूट्स दिए गए हैं ना, रूट दिए गए हैं। ठीक है, तो जब आप सम ऑफ रूट निकालोगे, यानी कि 4a + 3a विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस का बी और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इन शॉर्ट 7a इज इक्वल टू माइनस का b, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि 4a इंटू 3a इज इक्वल टू c अपॉन 1, तो यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12a स्क्वायर आ जाएगी, कितनी आ गई 12a स्क्वायर हो गई 12a स्क्वायर, और यहाँ से यार b की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली माइनस का 7a आएगी। अच्छा जो चीज आपको चेक करनी है ना, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ऑप्शंस देने पड़ेंगे इसके लिए पहले तो 3721, 549, 361 एंड 427 ये ऑप्शन है। आपको बताना है बी स्क्वायर प्लस सी की इनमें से क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहां पे देखूं यार बी स्क्वायर प्लस सी, तो बी की वैल्यू माइनस 7a है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो 49a स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 12a स्क्वायर, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है दैट इज 61a स्क्वायर। तो जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर एक ऐसा नंबर होगा जो कि 61 का मल्टीपल होगा और 61 के मल्टीपल के साथ एक स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 427 की बात करूं तो 427 को अगर आप मान लो 61 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा दैट इज 7 आएगा। पर क्या 7a स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है, क्या 7 आपका a स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है? भैया a स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। मैंने क्या बोला 427 61 से डिवाइड हो रहा है, पर डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दे रहा ना आंसर, जबकि आंसर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके बेसिस पे अच्छा 361 तो 61 से डिवाइड ही नहीं होगा, 361 61 से डिवाइड होगा नहीं। 549 की बात करूं, 549 को 61 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा। अगर आप 549 को 61 से डिवाइड करो तो 9 आएगा और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल है आंसर। 3721 का क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं 3721 की बात करूं, ठीक है 3721 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 61 से तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3721 को अगर 61 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 61 आएगा। पर 61 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देखो 61 से काटने के बाद जो बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई 549 आंसर होगा। डन है बात, क्लियर सभी बच्चों को? ओके, अगला क्वेश्चन देखना है, टीटा फॉर्म में है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने होंगे। तो ऐसे में जैसे हमने बात करी थी कभी भी मॉडुलस वगैरह आते हैं, या चलो पहले आप थोड़ा सा लगाओ दिमाग, कभी मॉडुलस वगैरह वाली चीजें आ जाए तो आप सबसे पहले ना ये जो मॉड एक्स समथिंग होता है ना इसको कुछ लेट कर लिया करो। जैसे लिखा है ना मॉड एक्स, सीधा सा काम करो, मॉड एक्स को उठा के के लेट कर लो, के लेट कर लो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका के इंटू में 6k स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में क्या हो गया 5k स्क्वायर, इक्वल टू 5k स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने k से अभी मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, पर इसको ध्यान रखना कि आपने एक बार यहां पर आपने इसको डिवाइड किया बोथ साइड के से, दोनों साइड को के से आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 6k स्क्वायर प्लस में 1 और इक्वल टू में 5k, तो ये हो जाएगा आपका 6k स्क्वायर माइनस में 5k और प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, 6 × 1 = 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे आना चाहिए माइनस का 5। दो फैक्टर बने 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 और -3 -2 करने पे -5 आता है। तो k की फाइनल वैल्यू क्या होगी, साइन पलट जाएंगे, ये 3 प्लस का हो जाएगा और अगर k स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ है ना तो डिवाइड कर दिया करो 3/6 और यू कैन से अभी -2 था जो +2 हो जाएगा और अपॉन में 6 आ जाएगा। तो यहां पर k की दो वैल्यू आ रही है, एक 1/2 और एक आ रही है 1/3। तो क्या इसका आंसर 2 होगा कि सर इसके 2 सोल्यूशन निकले? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा कि इसके 2 सोल्यूशन निकले या क्या सीन है। हालांकि एक और पॉइंट है, अभी k की वैल्यू 1/2 पर k क्या था मॉड x था ना, तो मॉड x की वैल्यू अगर मैं 1/2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी ±1/2 एंड इसी तरीके से मॉड x को अगर मैं 1/3 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1/3। तो क्या इसका आंसर 4 हुआ? आप बताएंगे सभी बच्चे, क्या इसका आंसर 4 होगा? हाँ जी, कितना आंसर होना चाहिए 5। इसका आंसर होगा यार 5 हो गए। इसका 5 आंसर पता क्यों होगा, क्योंकि शुरुआत में ना आपने k से डिवाइड कर दिया था, आपने दोनों साइड को k से कैंसिल आउट कर दिया था, तो वहां पर k की वैल्यू 0 आने वाली थी, यानी कि वहां पर k की वैल्यू 0। तो जो आपने शुरुआत में k से डिवाइड किया ना, तो यहां पर पता है क्या क्या वैल्यूज है x की। एक वैल्यू है आपकी 1/2 -1/2, 1/3 -1/3 और एक आंसर 0 भी है। एक आंसर 0 भी है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन को k से कैंसिल आउट कर दिया था। मेरी बात को सुनना आप जरा इस पॉइंट से, समझे बात को। देखो एक चीज समझना, जैसे कभी ना आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है k² और इक्वल टू k लिखा है, तो आप ना लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, ज्यादातर क्या करते हैं कि जी मैंने k से k को काट दिया और मेरे k का आंसर 1 आ गया। क्या ये करना ठीक है मैथमेटिकली? आप कहोगे नहीं सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर लिखा हुआ है k² इक्वल टू k, तो सर k को यहां लेकर आओ, तो ये होगा k² माइनस k इक्वल टू 0। फिर सर k आप कॉमन निकालो तो k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो सर यहां एक k की वैल्यू 0 आएगी और सर k माइनस 1 इक्वल टू 0 डालोगे तो एक k की वैल्यू 0 और सर एक k की वैल्यू 1। लॉजिकली ये बनता है सॉल्यूशन। समझ गए सभी बच्चे बात को? लॉजिकली सॉल्यूशन ये बनता है। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इनफैक्ट अब अगर यहां पे बात करो ये जो इक्वेशन है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक और छोटा सा पॉइंट इसी में क्लियर कर देता हूं, ताकि बाद में अगर कुछ बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी सुनना कि अगर मैंने लिखा है k और यहां पर मैंने लिखा 6k² प्लस 1 और यहां पे क्या चल रहा है 5k², तो ये क्या हो जाएगा 6k³, ठीक है। कितना हो गया 6k³ माइनस में 5k² और आपका प्लस में k हो गया, ठीक है। दैट इज ये क्या हो जाएगा 6k³ प्लस में k और ये 5k² यहाँ आ गया। अब आप क्या करो k कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा 6k² माइनस में 5k और प्लस में 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएंगे, यहाँ से आंसर ये निकल के आएंगे। पहला तो ये होगा कि सर देखो एक तो k इक्वल टू 0 होगा और एक होगा सर 6k² माइनस में 5k और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी 0 आ रही है और यहाँ से क्या आएगी, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 लाना है और प्लस करने पे आना चाहिए -5। तो आपने लिखा 3 2 6 लेकिन -3 -2, तो यहाँ से k का आंसर क्या आएगा। फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है, 3 प्लस का हो जाएगा और -2 भी प्लस में 2 हो जाएगा। लेकिन अगर k² के कोफिशिएंट में कुछ है, जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 से डिवाइड भी जरूर किया करो, ठीक है। तो यहां से पहले तो k की वैल्यू आ रही है 0 यानी mod x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0। फिर एक आ रहा था k की वैल्यू कितनी, दैट इज 1/2 क्योंकि 3/6 मतलब 1/2। तो mod x को अगर मैं लिखता हूं 1/2 तो x की दो वैल्यूज आएंगी +- 1/2। अगर मैं लिखता हूं दैट इज k इक्वल टू 2/6 का मतलब 1/3, तो इसका मतलब mod x इक्वल टू 1/3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी +- 1/3। तो एक आंसर यहां से 2 2, टोटल 5 आंसर बने। समझ गए सभी बच्चे बात को? शिवा, विनीत वगैरह जो भी बच्चे हैं, आई थिंक अभी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई है x² माइनस x माइनस 6 मॉड लगा हुआ है और यहां पर क्या है आपका x+2 है, ठीक है। ये चीज है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होंगे, इसके डिस्टिंक्ट रूट के प्रोडक्ट क्या होंगे। देखो जी सर हर मॉड वाले क्वेश्चन में मॉड एक्स को k या हाँ बिल्कुल यार संस्कृति, हाँ सॉरी बिल्कुल संस्कृति, आप ऐसे में मॉड एक्स को k ले सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं है। अब जैसे यहां पर संस्कृति जरूरत नहीं है k की, आप इसको ऐसे रखो कि सर जब हम मॉड हटाते हैं, अगर सर मान लो मॉड एक्स इक्वल टू k लिखा है, तो जब हम मॉड हटाते हैं तो +- k हो जाता है। तो सर जब आप यहां से मॉड हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा कि x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x+2, या फिर सर ये भी हो सकता है कि x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -x+2, है ना। क्योंकि सर जब आप मॉड हटाओगे तो इक्वल टू में ± के साइन आ जाएंगे। अगर प्लस के हिसाब से चले तो x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x+2, माइनस के हिसाब से चले तो x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -x+2। अब उठा के आप इसको सॉल्व कर देना, तो x² माइनस में 2x और ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, 4 2 8 होता है लेकिन -2 चाहिए, तो 4 माइनस का लेना और 2 प्लस का लेना तभी -2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 + 4 हो जाएगा और एक -2 हो गया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो x² माइनस एक्स माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और x² और इसे अगर मैं यहां भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी 2 और -2। तो बेसिकली यहां से x की 3 वैल्यूज आई, एक वैल्यू आ रही है 4, एक माइनस टू, देखो माइनस टू तो दो बार आ गया ना, तो काउंट लेकिन एक ही बार करोगे, तो 4 माइनस 2 और 2, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि -16। डन है, बात क्लियर सभी बच्चों को। एक बार बताओगे चैट के थ्रू, सबको समझ आ गया है? तो मैंने बेसिकली करा क्या है, मैंने यहां से बेसिकली मॉड हटाया, और जब मैंने मॉड हटाया तो x² - x - 6 इज इक्वल टू ± x + 2, और इसी के बेसिस पे पहले मैंने प्लस वाली सिचुएशन उठाई, फिर माइनस वाली, देन सॉल्व कर दिया। नहीं विनीत, डिस्टिंक्ट रूट से इनका कहने का मतलब है। अब जैसे मान लो विनीत ये कहते हो कि सर जो इसके जो रूट आए, अब आप मान लो विनीत ये बोलते हो कि सर इसके ना रूट आ रहे हैं, इसके रूट आ रहे हैं 4 - 2 2 और -2, है ना। आप तो ये बोलोगे कि सर इसके 4 रूट आ गए, लेकिन मैंने कहा था डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट को काउंट करो, अलग अलग रूट को, तो अलग अलग रूट काउंट करने हैं ना, तो -2 को दो बार नहीं काउंट करोगे आप, एक ही बार करोगे, दैट इज 4 - 2 और 2। नहीं सर 2 और -2 भी तो डिस्टिंक्ट है। नहीं, इसके 4 रूट आए हैं, आप समझो बात को। यहां पर x की 4 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, x की वैसे देखें तो 4 वैल्यू है, जैसे कि 4 - 2 2 और -2, लेकिन इसने कहा था डिस्टिंक्ट रूट लो। डिस्टिंक्ट मतलब रिपीट वाले मत उठाओ ना। अब अलग अलग रूट क्या है इसके, कहने को आपने 4 रूट निकाले, पर अलग अलग रूट क्या है, 4 - 2 2, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अंकित, जब सर पर जब मॉड ओपन करेंगे तो x के 2 केस बनेंगे, x > 0 x < 0। वो पता है यार अंकित जो आप कह रहे हो ना। नहीं वैसे चिन्ह नहीं भी बोलता तो भी आप यही लेते, क्योंकि एनीवेज अगर मैं रूट की बात करूं कि भाई इसके रूट क्या क्या आए हैं, तो ऑब्वियसली बात, जैसे मैं यार इसको आप ऐसे समझना कि अगर कोई एक इक्वेशन मैंने लिखी और मैं कह रहा हूं भाई इस इक्वेशन के रूट क्या है, रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसे इक्वेशन में डालोगे तो आंसर 0 आएगा, तो आप यही बोलोगे ना कि सर इसके रूट क्या है, 4 - 2 और 2। आप -2 को दो बार थोड़ी बोलोगे, समझ गए ना। तो बोलोगे तो मतलब कंसीडर तो एक ही बार, काउंट तो एक ही बार होगा ना, तो दैट्स वाई। अगर मैं इसके बात करूं इसके रूट क्या क्या होंगे, तो आप कहोगे 4 - 2 और 2 इसके रूट होंगे, ठीक है। अच्छा आपने क्या बोला, हाँ अंकित यार, > 0 < 0 तब लेते हैं। अभी जैसे यहाँ ना एक इक्वेशन है, आप इसको ऐसे समझना अंकित कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, कभी भी ऐसा हो ना समथिंग लाइक mod x = 5, तो ऐसे सिंपल रखो कि x = ±5। लेकिन अगर मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया समथिंग कुछ यू नो mod x + 2, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो फिर आप इसको कंडीशन लगाओ क्या कि सर जब x 0 से बड़ा होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या लिखा जाएगा, x + 2, और सर जब x 0 से छोटा होगा तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, -x + 2। तब हम इस बात का यूज करते हैं, ठीक है अंकित, इस बात का यूज हम लोग तब करते हैं। मॉड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दीजिए, समझा नहीं क्या बोला आपने। सर जैसे x + 2 लिए तो उसमें सर कह सकते हो आदित्य कि सर जो आपने जब x + 2 को पॉजिटिव लिया, ये कहना चाह रहे हो सर, जिसमें जैसे आपने x + 2 लिया तो उसमें x² हाँ कह सकते हो कि जो x की मतलब मैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू है वहीं तो इक्वल टू में वैल्यू तो लिखी जाती है ना कि भाई x² - x - 6 = x + 2, तो x + 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्वाड्रेटिक को पहले > 0 ले रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या है, x + 2 है, तो मतलब उसको पॉजिटिव लिया। और एक है कि x² - x - 6 को मैं <0 ले रहा हूँ, <0 मतलब नेगेटिव ले रहा हूं, तो जो इसकी वैल्यू है x + 2 उसको मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है। वो तो अनुभव अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करो, मॉडुलस का 1 शॉट है वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक बार मॉडुलस का 1 शॉट देखो, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। एक यार ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, दैट इज u² + u - 2v - 1 का होल स्क्वायर - 4vu+ समथिंग। नहीं, पहले मॉड हटाओ कशिश, पहले मॉड को हटाओ देन सिंप्लीफाई करो, ठीक है। पहले मॉड हटा दिया करो। ठीक है कशिश, पहले मॉड को हटाएं देन सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ये कैट 2019 का था। ये आपका कैट 2018 का क्वेश्चन है, कैट 2018 का, ठीक है। देखें समझें क्या कहना चाह रहा है। तो पहले यार इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। बेसिकली यार ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये एक बेसिक अलजबरा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन और कुछ खास नहीं है। देखते हैं, आप सब बच्चों को फॉर्मूला पता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर क्या बना ये मेरा, दैट इज ये तो चलो u स्क्वायर है। अब अगर मैं इसमें ये आइडेंटिटी लगाऊं तो पहले u का स्क्वायर करूंगा, u स्क्वायर आएगा, माइनस 2v का स्क्वायर करूंगा तो 4v स्क्वायर आएगा, फिर मैं माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, फिर प्लस के बाद होता है 2ab, यानी 2 इंटू में पहला नंबर u और दूसरा नंबर माइनस का 2v। सॉल्व करूंगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, दैट इज माइनस 4uv, ठीक है, माइनस का 4uv। उसके बाद 2bc अगर मैं करूँ तो 2 और bc, b क्या है मेरा माइनस का 2v और c क्या है मेरा माइनस 1, तो 2 2 सा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4v, ठीक है। फिर एक आता है 2ca, तो c क्या है मेरा, दैट इज माइनस का 2v और a क्या है मेरा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, नहीं 2ca है ना, तो 2 इंटू माइनस 1 इंटू यू, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2u, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4uv और माइनस 4v स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करते हैं, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे 4uv से 4uv कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर, 4v स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 8v स्क्वायर, और यहाँ पर है मेरा 1, और यहाँ पर है 4v और माइनस में 2u, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को सारी बातें? हाँ जी, एक बार चैट के थ्रू बताएंगे आप सभी। क्या यहां तक सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहां पर ना मैं आपको एक बड़ा यूनिक सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो मैं काफी हद तक श्योर हूं कि नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। तो एक बड़ा एक यूनिक सा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो मेरी बात को सुनना, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन, जैसे आप एक बात बताओ, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स का आंसर 0 होगा और वाई का आंसर 0 होगा, सही बात है। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, एक्स 0 होगा और वाई 0 होगा, सही बात है। अच्छा, तो एक और बात सुनना, अगर मान लो मैंने आपके सामने लिखा 2x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, ऐसे में आपका आंसर क्या होगा कि सर अगर दो नंबर पे स्क्वायर है और इक्वल टू 0 है, तो सर ऐसे में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3/2 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, सही बात है। पहले बता दो यहां तक सारी क्लियर है पिक्चर सभी बच्चों को? हाँ जी, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, पता है ये सारी छोटी छोटी बातें। अच्छा, अब एग्जाम में क्या होता है, अब एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग, एग्जामिनर एग्जाम वगैरह में क्या होता है कि इतना डायरेक्ट नहीं देते, इतना ज्यादा डायरेक्ट नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे मन में है एक नंबर जैसे 2x और प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस z और प्लस मान लो 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0। एक है कि मैं ऐसे करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, तो ऐसे में आपका आंसर क्या होगा कि सर 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि सर x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6/2, यानी कि माइनस 3 आएगी, और सर y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सर y की वैल्यू 2 आएगी, और सर z प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी सर z की वैल्यू माइनस 5 आएगी। लेकिन आप सबको पता है कि एग्जाम में इतना डायरेक्ट नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं इसको ना सिंप्लीफाई करके देते हैं। जो डेटा दिया जाता है उसमें वो क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि आप मान लो इसकी इक्वेशन सॉल्व करो, क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 2ab करोगे 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 24x, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 2ab करूंगा तो 4y। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो a स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2ab करूंगा तो 10z हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर हो गया, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया z स्क्वायर। और फिर क्या करते हैं, बाकी नंबर दूसरी साइड ले जाओ, जैसे कि 24x हो गया और माइनस का 24x हो गया बेसिकली, और ये प्लस में आपका 4y हो गया, ठीक है। और z को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो माइनस का 10z हो गया। और बाकी क्या क्या नंबर है, ये जो 36 है, 36 और 4 40 और 65, तो माइनस का 65 हो गया। और फिर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इक्वेशन देते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वेशन देते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, या कई बार 2 कॉमन निकालते हैं, कई बार नहीं भी निकालते हैं, ठीक है, कई बार 2 कॉमन निकालते हैं और कई बार नहीं भी निकालते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको इक्वेशन देख देंगे बस, मतलब यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग कि भाई 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और यहाँ पर 4y माइनस का 24x माइनस का 10z माइनस का 65, राइट। ये इक्वेशन आपको दे दी। अब वो ये इक्वेशन देने के बजाय ये इक्वेशन देते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को मैं क्या कह रहा हूं? वो लोग क्या करते हैं एग्जाम में ना ये इक्वेशन नहीं देते, हालांकि ये दोनों बातें सेम है, यस और नो, सेम है ना भाई। ये वाली जो बात मैंने लिखी है और ये जो मैंने लिखा है, ये दोनों सेम ही तो है, बट वो क्या करते हैं ये नहीं देते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हो गया, वो ये देते हैं। अब फिर यहां से क्या करना होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लाते हैं एंड देन आंसर करते हैं। यस और नो, ये बात सभी को क्लियर है, राइट। आप सभी बच्चे यही करते हो ना कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो जैसे x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, z पे स्क्वायर है और x y z समथिंग, तो सबसे पहले आप उठा करके इसको इसमें कन्वर्ट करते हो, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते हो और फिर देन आंसर करते हो। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, यही तरीका है, राइट। शिवा, आदित्य, नयन, जो भी बच्चे हैं यही करेंगे भाई। ये इक्वेशन होते हैं तो सर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं एंड देन हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं और अपना आंसर करते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा ही यूनिक सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, कि आपको इतना टाइम पास ना करना पड़े। मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल सटीक सा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको ना परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप देखो सीधा सा किया क्या करो, देखो आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है ना, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, देखो यहां पर x वाला नंबर पकड़ो, क्या लिखा है, माइनस का 24 लिखा है। देखो जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूले में क्या आता है 2ab, तो इसमें से ना 2 हटा दो, 24x है ना, तो इसको आप ऐसे रीड करो मन में, 2 into 12x, तो x का जो मतलब 2 हटाने के बाद जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज -12, उसे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो यानी कि 4 से, तो आपके x का आंसर आ जाएगा -3। आई बात समझ में? एक और देखो, अगर y निकालना है तो y निकालने के लिए क्या करो, पहले तो y जो भी उसका कोफिशिएंट है उसमें से 2 अलग करो, यानी 2 अलग किया और क्या बचा 2y, पहले 2 हटा दो। अब 2 हटाने के बाद जो y का कोफिशिएंट है उसे y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1, उससे डिवाइड करो, आंसर आएगा 2। और अगर आपको z निकालना है तो पहले तो 2 हटा दो, -10z है तो इसे -2 into 5z लिखो, राइट, पहले 2 हटा दो। 2 हटाने के बाद z का कोफिशिएंट क्या है, -5, और z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो डिवाइड करो, आंसर -5 आएगा। तो ऐसे आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना, उसमें 2-3 स्टेप वेस्ट करना, देन आंसर पे जाना, उतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे कर दिया करो। समझ आई बात? तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। बात क्लियर है सभी बच्चों को, समझ आ गया क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, और ये एक बहुत ही यूनिक सा शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद है तो फटाक से काम बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर जरा आते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखो यहां पर सर अगर वो 2 का मल्टीपल ना हो तो, अगर 2 का मल्टीपल ना हो, चलो ये भी अच्छा सवाल है, सर अगर 2 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, देखो दो का मल्टीपल अगर नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट से 5x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया y स्क्वायर लिख दिया लेट से, प्लस में y स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं 17 लिख दूँ चलेगा, 17x लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक जगह मैं लिख देता हूँ एक, चलो ठीक है एक जगह 10y कर लेते हैं और प्लस में समथिंग कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, वो क्या है वो मुझे नहीं पता। तो अगर आपको x का आंसर लिखना, आप x का आंसर कैसे लिखोगे, तो मैंने क्या बोला इसको 2 पे पहले 2 साइड करो, लेकिन आप कहोगे सर 2 तो है ही नहीं, कोई ना इसको ऐसे कर लो ना 2 × 17/2x ऐसे लिख लो और इसको क्या लिखोगे 2 × 5y ऐसे लिख लो। तो 2 हटाने के बाद x का कॉफिशिएंट क्या है 17/2 है और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/10 और y क्या होगा, तो 2 हटाने के बाद y का कॉफिशिएंट है -5 और यहां पर कितना है 1, तो आंसर आएगा -5। समझ गए बात? डन है, क्लियर सभी को? ठीक है ना नायला, अगर बाय चांस नहीं होता है तो ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर लेना। मुद्दे पे आते हैं, खैर यहां पर हम लोग आए और अब मुझे लगता है आप इसका आंसर बड़े आराम से बता सकते हो। तो 2u स्क्वायर प्लस में 8v स्क्वायर, इन सबको वहां लेकर आ जाओ, तो 2u माइनस में 4v और माइनस का 1। अब मुझे लगता है परफेक्ट स्क्वायर बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और सिंपल सा आप क्या करो, हाँ अगर आपको u बताना है तो 2 हटाने के बाद, देखो 2 पहले हटाना पड़ता है, ठीक है पहले आप 2 हटा दो, तो यहां से अगर आप 2 हटाते हो तो 2 × 1 × u लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 2 × 2v लिखोगे। तो 2 हटाने के बाद u जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। अगर मैं बात करूं v की, तो 2 हटाने के बाद अगर लिखा है ना 4v, तो 4 में से 2 हटा दो तो 2 बचा, तो माइनस का 2 और उसे डिवाइड कर दो 8 से, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4 आ जाएगी। समझ गए? एंड देन आप आंसर कर देना। उम्मीद है कि यार ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है। तो u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू -1/4, आंसर बताना है u यानी कि 1/2 प्लस 3 × -1/4 और बस दैट्स इट यार, सॉल्व कर लेना। आंसर कितना आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। डन है, क्लियर सभी को? अच्छा फील आ गया यूज करके, ठीक है चलो बढ़िया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें यार, बस इसी चीज की क्रिएटिविटी करता रहता हूं मैं, ठीक है कि थोड़ा सा, क्योंकि यार देखो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई एक फिक्स पैटर्न है, अगर फिक्स पैटर्न है तो कोई तो शॉर्टकट बन रहा होगा ना। और बस ठीक है आप लोग इसीलिए आते हो, ठीक है कि सर कुछ शॉर्ट में बता दो इसको करने का तरीका। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2 क्वेश्चन और रह गए आज की क्लास के। फिर आगे बात करते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन से आपके ये है आपका कैट 17 का क्वेश्चन, ठीक है कैट 17 का क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके 1, 2, 3 या 4। हालांकि यार इसका मुझे लगता है आप लोग बड़े आराम से आंसर बता सकते हो। मैंने बोला द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अब देखो एक रूट मान लो अल्फा है, एक रूट बीटा है, तो इनके स्क्वायर का सम बताना है, ठीक है रूट्स के स्क्वायर का सम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ रूट, क्योंकि हम तो किसी भी क्वाड्रेटिक से भाई सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हैं ना। तो सम ऑफ रूट का स्क्वायर माइनस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है दैट इज अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा सॉरी। तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज -b/a, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो -a + 3/1, कुछ नहीं है तो 1 बोल दो, का स्क्वायर -2 × c/a और c कितना आपका -a + 5/1 लिख दो। तो यहां पे यार माइनस समथिंग का स्क्वायर है तो प्लस हो जाना, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखो तो क्या आ जाएगा a² + 3² 9 प्लस में 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो ये हो जाएगा आपका 2a और प्लस में 5×2 = 10 तो ये कितना हो जाएगा आपका a² और प्लस में 8a और प्लस में 19 राइट + 19 ओके। तो ये आ रहा है और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये जो मैंने लिखा ना ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू के यार बहुत सारे तरीके हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, या आपको याद होगा करा था मैंने माइनस बी बाई टू ए। यानी अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक मैंने लिखी है, लाइक मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम यानी y की वैल्यू मिनिमम कब आएगी एट x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। तो यानी कि अगर आप x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a लेते हो तो उस पर मिनिमम आंसर आएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मिनिमम आंसर कब आएगा, इसका मिनिमम आंसर आएगा एट किस पर्टिकुलर वैल्यू पे, एट a इक्वल टू माइनस बी। बी क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो a का कॉफिशिएंट 8 है तो माइनस का 8 अपॉन में 2, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो 2 इंटू 1, यानी कि -4 पे अगर आप a की वैल्यू -4 लोगे ना तो इसका मिनिमम आंसर आएगा। और इसका मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 19, तो कितना हो गया 16, 32, 3 आंसर आ जाएगा। डन है, बात क्लियर सभी को? सर सेकंड स्टेप में नेगेटिव कहां से आया a प्लस 3 के पहले? पल्लवी इसलिए आया क्योंकि क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है। जब आप सम ऑफ रूट निकालते हैं पल्लवी तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है। तो माइनस बी, बी क्या हो गया जैसे a प्लस 3 है ना, अब बी मतलब क्या, x का कॉफिशिएंट विच इज a प्लस 3, पर उसके आगे माइनस बी तो आएगा ना, तो a प्लस 3 के आगे माइनस आया और अपॉन में 1। लेकिन अगर आप देखो तो होल स्क्वायर डाला हुआ है, क्या लिखा है -a प्लस 3 पे होल स्क्वायर डाला हुआ है पल्लवी, तो दैट्स वाई नेगेटिव से तो वो प्लस ही हो जाना है, तो ये a प्लस 3 के होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे एक बच्चे ने बोला अगर सर डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन देखो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2a, 8a का डिफरेंशिएशन होता है 8 और 19 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2a प्लस 8 को इक्वल टू 0 डालोगे तो a की वैल्यू आएगी -4। यानी a की वैल्यू -4 इसमें पुट करने पर, इसमें जब आप a की जगह -4 पुट करोगे तो इसका मिनिमम आंसर आएगा जो कि 3 है। ठीक है, नहीं तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते थे, अपने अपने तरीके होते हैं। डन है, बात क्लियर सभी बच्चों को? तो एक काम करते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बता दूं। एक यार आप सभी बच्चों को पता होगा ये 30% का फ्लैट डिस्काउंट अभी चल रहा है, 30% का। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आप 12 महीने या 15 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर अपना लेते हैं राइट नाउ 12 to 15 मंथ, तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ठीक है, इसके लिए रेफरल कोड आपने यूज करना है RMN10, मेरा नाम रमन है उसी का शॉर्ट फॉर्म है RMN10, तो ये रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। इस कोड का यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले, उसमें आपको 30% का, ये अब तक का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है अनअकैडमी की साइट से जो कि आपको देखने को मिलेगा, बट कोड यूज कर लेना। और इस कोड को यूज करके ना, जो भी आपके नोन में कोई कैट 23 का बच्चा है या आप में से कोई है तो उसे सजेस्ट कर देना कि एक बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज टारगेट IIM बैच कैट 23, और इसमें क्वांट्स का ना मैक्सिमम पोर्शन मैं ही करा रहा हूंगा। ठीक है, और ये शेड्यूल है यार पूरा का पूरा, इस शेड्यूल पे पूरी क्लासेस चलेंगे। जैसे बेसिक ऑफ क्वांट से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं हर एक क्लास में, मतलब हर एक चैप्टर पे एक क्लास होगी जिसमें मैं उसके बारे में पूरा बेसिक आइडिया आपको दूंगा, बेसिक लेवल पे कराऊंगा। देन उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। और ये पूरा शेड्यूल है कि किस किस महीने में क्या क्या आप पढ़ रहे होगे, और इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका डन होते हुए आपको दिखेगा। तो ये 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, इसको ना भूलें। बाकी डिपेंड करता है अगर आप पे कि सर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लूंगा आइकॉनिक, तो प्लस में आपको डिजिटल नोट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, पूरी आपका इंटरेक्टिव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर वे में कोर्स पीडीएफ, ओपन हाउस सेशन, अनअकैडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट क्विजेस, आज का डाउट मतलब अपना हैंड रेस करो माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, डिजिटल एंड फिजिकल नोट, GDPI वैट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, ये सब देखने को मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, फी स्ट्रक्चर ये सब है, लेकिन इन सारे जो भी आपको राइट नाउ फी स्ट्रक्चर दिख रहा है इन सब पे आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और आप अपना सब्सक्रिप्शन EMI पे भी ले सकते हो, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होता जब आप EMI पे लेते हो तो। ठीक है, कॉम्पीट 1-to-1 आप बैटल कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भी फ्रेंड के साथ अगर एज अ हेल्दी मैनर में। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर ये फीचर है, इसका आप यूज कर सकते हैं। बाकी जब आप यार बैच के हाईलाइट्स या स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग सेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय 100+ मॉक टेस्ट, मेंटोरशिप बाय द कैट एक्सपर्ट्स एंड IIM ग्रेड्स। और बाकी यार ये लास्ट माइल चाहिए। तो 20 नवंबर यानी परसों आपका अगला AIMT होने वाला है, तो यूज करना ना भूलें, ठीक है, जरूर पार्टिसिपेट करना। कोड आपको पता ही है, दैट इज RMN10 ये कोड है, ठीक है। और unacademy_raman ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, U capital R capital, ठीक है। सर्च कर लेना, सर्च करने में मिल जाता, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, काम करते हैं यार, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कल बताऊंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा, और कल का सेशन थोड़ा सा लंबा रखेंगे, और कल जितने भी PYQs हैं बचे हुए वो सब मैं समअप कराता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, लॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक के PYQs करे हैं, ये क्वेश्चन है जो मैं कल कराऊंगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन, मॉडुलस और भी जो बचे हुए पार्ट है उन सबके PYQs खत्म करेंगे, ठीक है। डन है, आशु की भी एक्चुअली ने लिखा ना कि एग्जाम अच्छा गया तो पेड़ा खिला देंगे, मैं उसके बाद वाली लाइन में इंटरेस्टेड हो गया कि कुछ अजीब ना बोल दे कि एग्जाम अच्छा नहीं आया, एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो खैर जी, unacademy_raman ये टेलीग्राम ग्रुप है यार, ठीक है। और ये कोड आप यूज कर लेना RMN10 सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। 10 नहीं बल्कि 30%। चलो शुक्रिया यार आप सभी बच्चों का, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बाकी अभी संडे को तो यार मैं नंबर सिस्टम रखूंगा, ठीक है, संडे को नंबर सिस्टम रखूंगा मैं। और आज शाम को हम लोग करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, ठीक है। नहीं, RMN10 यूज करना, 30 मत करना, RMN10 पे ही मिल जाएगा 30%, ठीक है। और बाकी यार संडे को नंबर सिस्टम में रखूंगा और वन शॉट में। बाकी शाम को ना वो जो हमारा सर्ट्स एंड डाइसिस का बचा हुआ पार्ट है और प्रिज्म का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। क्लास में शाम को रखूंगा, अभी लाइक हाफ एन आवर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर में आपको बताता हूँ कब है क्लास, टेलीग्राम पे, ठीक है। PYQs की प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर रखी है, ठीक है। चलो ओके बाय, हाँ टेक केयर यार, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। सर इसकी भी एरिथमेटिक जैसी PYQ की बुक बना देना देंगे क्या? अब तो वैसे टाइम ना के बराबर है प्रियांशु, ठीक है, अब हफ्ते भर में मैं क्या बनाऊंगा, या तो साथ साथ आप सेशन ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल नाइला, पिरामिड वाला भी शाम को करेंगे, अभी मैं आधे घंटे में टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ, ठीक है। चल ओके बाय।